जय हिंद दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है IPv4 हेडर फॉर्मेट। बच्चों आजकल ये वायरल है, ध्यान रखिए, इसके ऊपर बड़े एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। और कितने क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन की संख्या भी काफी ज्यादा है। कई बार इसमें से फुल फॉर्म आ जाती है, कई बार आपने देखा होगा बच्चे इसको छोड़ के ही आ जाते हैं। तो आज अपन इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, थोड़ी सी स्पीड भी रखना। यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे केवल IPv4 हेडर फॉर्मेट। आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी आज तक, वो सब यहीं से आई है। एक यूडीपी टीसीपी का भी फॉर्मेट आता है और एक IPv4 का भी फॉर्मेट आता है। क्लियर? एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, समझना अच्छी तरीके से कोशिश करना। याद रखिए थ्योरेटिकल टॉपिक है, न्यूमेरिकल आने के चांस कम है, बाकी न्यूमेरिकल भी आपको करवा दिया जाएगा इस पर। ठीक है, चलिए। IPv4 हेडर फॉर्मेट क्या होता है तो आप एक बार इस फॉर्मेट को देखिए, ये क्या है, आपको हेडर फॉर्मेट है ये दिख गया होगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा। ये थोड़ा नीचे लगाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये फॉर्मेट दिख रहा होगा। देखिए, ठीक है, ये आपका IPv4 का हेडर फॉर्मेट है। ये IPv4 का हेडर फॉर्मेट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बच्चों इसमें क्या क्या होते हैं, वर्जन होता है, हेडर लेंथ होती है, टाइप ऑफ सर्विस होती है, टोटल लेंथ ये होती है, आइडेंटिफिकेशन बिट होती है। ये शायद ऊपर लगा दिए इसने सभी। हाँ चलो ठीक है, यहाँ दिख जाएगा आपको। तो बच्चों ये हेडर जो फॉर्मेट है इसको एक बार गौर से देखो आप। आपका वर्जन होता है जो कितने बिट का होता है, 4। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि वर्जन कितने बिट का है, 4। हेडर लेंथ कितने बिट की होती है, 4। टाइप ऑफ सर्विस कितने बिट की होती है, 8। टोटल लेंथ कितने बिट की होती है, 16 बिट। क्लियर? अभी क्या होते हैं क्या नहीं होते आपको एक एक चीज को समझना होगा बच्चों। क्लियर? आइडेंटिफिकेशन बिट 16 बिट होती है बच्चों। ये होता है DF, डू नॉट फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंट बच्चों, फ्रेगमेंट ऑफसेट कितने बिट का होता है, 13 बिट। इसी तरीके से टाइम टू लिव TTL जिसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था, TTL की फुल फॉर्म क्या होता है, टाइम टू लिव। क्लियर? प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल बच्चों, और हेडर चेकसम। प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहा है, हेडर चेकसम क्या है कि हेडर में कोई खराबी तो नहीं आ गई। क्लियर? सोर्स IP 32 बिट का होता है, डेस्टिनेशन IP 32 बिट का होता है। ये दो चीज ऑप्शन होती है बच्चों, ये वाली और ये वाली। ये पांच जो होते हैं ये कंफर्म होते हैं, अरे के जो डेटाग्राम होता है उसको फॉलो करना होता है। क्लियर? अब एक एक चीज को अपन समझेंगे, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, एक एक चीज को अपन को समझना। ये सारे के सारे 32 बिट के होते हैं, 32 बिट, 32 बिट, 32 बिट बच्चों। क्लियर? 16 बिट इधर रहते हैं, 16 बिट इधर रहते हैं बच्चों। क्लियर? 16 बिट में 4 और 4 और 8 सब सिस्टमेटिक बांटा गया। आइडेंटिफिकेशन 16 बिट का होता है। और बच्चों फ्रेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, ये पूरी की पूरी फ्रेगमेंट क्लियर कहलाती है। फिर बच्चों TTL 8 बिट का होता है, प्रोटोकॉल 8 बिट का होता है, हेडर चेकसम 16 बिट का होता है, सोर्स IP एड्रेस 32 बिट का होता है। सबको पता है IP एड्रेस IPv4 की बात कर रहे हैं, डेस्टिनेशन IP एड्रेस 32 बिट का होता है, ऑप्शन 0 से 40 बाइट का होता है, डेटा यहाँ पर डेटा होता है बच्चों। क्लियर? IPv4 हेडर। क्लियर? पैडिंग भी बोलते हैं इसको, डेटा भी बोलते हैं, बहुत सारा कंसेप्ट होता है, ये सारी चीजें अपन को देखना है। क्लियर? एक पॉइंट तो आपके क्लियर हो गया होगा, क्लियर नहीं दिख रहा तो अब उसको कोशिश कर लेना, ये चीज आपको दिख रही होगी। अब वो ठीक है, उस बच्चे ने लगा दी, लेकिन आपको ये गेट विद्यालय नाम की एक वेबसाइट है, वहां से मैंने लिया है, आपको मैं और बता देता हूँ, वहां से और पढ़ लेना आप। क्लियर? अब कॉमन सी बात है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार अपन कमी नहीं छोड़ेंगे। कमी इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन भी आ गया तो प्रोग्रामर में एक दो क्वेश्चन का ही तो झगड़ा है। क्लियर? तो इसको सबको अपन को समझना है। चलिए अब सबसे पहले अपन एक एक पॉइंट को उठाते हैं। ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए बच्चों, इंटरनेट प्रोटोकॉल थोड़ा और छोटा कर देता हूं ताकि आपको वहां दिखता रहे, पूरा दिखता रहे। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्या होता है, इसका क्या मतलब है, एक एक लाइन को आपको समझना है, जो लाइन नहीं समझ में आए उसके बारे में पूछना है। IPv4 शॉर्ट फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इज द फोर्थ वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर? इस लाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। IPv4, IPv4 की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बच्चों ये कौन सा वर्जन है, तो ये वर्जन नंबर 4 है। ठीक है, IP इज रेस्पॉन्सिबल टू डिलीवर डेटा पैकेट फ्रॉम सोर्स होस्ट, होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। बच्चों क्लियर? होस्ट से होस्ट डिलीवरी के लिए है, सोर्स होस्ट कौन है और किसको भेजा जा रहा है उसको डेस्टिनेशन होस्ट कहते हैं। तो IP का क्या यूज है, ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए तीसरा पॉइंट, दिस डिलीवरी इज स्लोली बेस्ड ऑन द IP एड्रेस इन द पैकेट हेडर। तो बच्चों याद रखिए, ये केवल और केवल जो
होस्ट से होस्ट डिलीवरी होती है वो आईपी एड्रेस के ऊपर टिकी हुई है, तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। IPv4 इज द फर्स्ट मेजर वर्जन ऑफ आईपी। आईपी के बहुत सारे वर्जन आए लेकिन उनमें सबसे फेमस कौन सा हुआ? IPv4। IPv4 इज ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, सबको पता है IPv4 क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो IPv4 इज ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल फॉर यूज ऑन पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। बच्चों क्लियर, कनेक्शन लेस का मतलब वायर्ड नहीं है, ये वायर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना बच्चों क्लियर, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन मतलब आपका डेटाग्राम जो होता है वो बनता है, और अलग अलग सबको पता है ये पैकेट होता है बच्चों, ये सेंडर होता है, ये रिसीवर होता है बच्चों क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, पैकेट अलग अलग लोकेशन से निकलते हैं, अलग अलग लोकेशन से निकल कर यहाँ पर पहुंचते हैं बच्चों क्लियर। हो सकता है कुछ पैकेट इधर से चले जाए, कुछ पैकेट बच्चों इधर से चले जाए, कुछ पैकेट आपके इधर से चले जाए, फिर यही पैकेट आपका इधर चला जाए, किसी भी रूट को फॉलो कर सकते हैं। तो ये कोई पर्टिकुलर कनेक्शन को यूज नहीं करते। तो IPv4 इज ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल और डेटाग्राम प्रोटोकॉल बच्चों क्लियर। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है डेटाग्राम से आप क्या समझते हैं, तो डेटाग्राम का मतलब है जिसका कोई फिक्स रूट नहीं है, किसी भी रूट से वो निकल जाते हैं उनको कहते हैं डेटाग्राम। तो IPv4 इज ए कनेक्शन लेस और डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये लाइन भी आपके क्लियर हो गई होगी। एक बार कमेंट कर दो अगर ये सारी लाइन समझ में आ गई तो। याद रखिए आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है बच्चों क्लियर। और याद रखिए होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेट करवाती है इंटरनेट के ऊपर। और याद रखिए पैकेट, सबको पता है पैकेट स्विचिंग होती है, क्लियर है, किसके अंदर, इंटरनेट के ऊपर। तो वहां पर जो डेटाग्राम जाते हैं पैकेट स्विचिंग के अंदर बच्चों, वो IPv4 पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट को आइए। ये तो आपकी बिट्स है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको वर्जन पढ़ना है, और वर्जन में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक एक को अपन को चेक करना, क्लियर। ये वर्जन आपको दिख रहा होगा, वर्जन इज ए 4-bit फील्ड बच्चों, क्लियर। अब 4-bit फील्ड है तो कॉमन सी बात है, तो वर्जन बच्चों 000 से लगा के बच्चों क्या आएगा, ज्यादा ज्यादा क्या आ सकता है, तो वर्जन बच्चों 1111 आ सकता है बच्चों, क्लियर। अभी अपन जो पढ़ते हैं वो कौन कौन से वर्जन पढ़ते हैं, तो IPv4 4 वर्जन है इसको 1000। और बच्चों अगर IPv6 की बात करते हैं तो ये वर्जन हो जाएगा 6, और इसको कहेंगे 4 हो जाएगा, और 6 की बात करेंगे तो ये 6 हो जाएगा बच्चों, क्लियर। तो IPv इसकी जगह क्या होगा, IPv4 के लिए ये रहता है और IPv6 के लिए ये रहता है बच्चों, क्लियर। तो क्या गुरुजी इसकी फिक्स बिट होती है, बिल्कुल फिक्स बिट होती है। तो एक एक कंसेप्ट को समझते जाइए, वो ये कह रहा है कि जो ये डेटाग्राम बना है वो IPv4 के पैटर्न को फॉलो करके बना है बच्चों, क्लियर। ये क्या है, ये हेडर की इंफॉर्मेशन है, क्या है बच्चों, ये हेडर है बच्चों, क्लियर। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो हेडर होता है IPv4 हेडर बच्चों, क्लियर। हेडर जो होता है वो 20 बाइट से लगा के बच्चों, कितने बाइट तक होता है, 60 बाइट तक होता है बच्चों, क्लियर। और डेटा अपने साथ कितना लेके जाता है, तो अपना साथ डेटा, डेटा का मतलब होता है पेलोड बच्चों, क्लियर। तो पेलोड कितना लेके जाता है, तो पेलोड बच्चों 0 से लगा के 65,515 बाइट तक लेके जाता है, क्लियर। ये क्वेश्चन भी आपके साथ आ जाता है। अपन बात किसकी कर रहे हैं, हेडर की बात कर रहे हैं। हेडर की मिनिमम साइज क्या है, 20 बाइट। हेडर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है, किसकी इन्फॉर्मेशन देता है, जो पैकेट की इन्फॉर्मेशन देता है बच्चों, क्लियर। तो पैकेट की इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा है ये वर्जन, क्या कर रहा है, पैकेट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पैकेट के बारे में बता रहा है कि IPv4 के कंसेप्ट को फॉलो करेगा बच्चों, क्लियर। ये कितने बिट का है, तो ये 4 बिट का है। तो ये सब मिला के अगर बात करें तो बच्चों ये 4 बाइट, 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 तो कम से कम 20 बाइट का तो ये हो ही गया, 20 बाइट का तो ये हो ही गया बच्चों, क्लियर, 20 बाइट का तो ये हो ही गया। अब बच्चों ये दोनों मिलाकर मैक्सिमम 40 बाइट का हो सकता है। तो बच्चों पूरी की पूरी ये हेडर है, ये आपके पैकेट के इन्फॉर्मेशन है, ये बच्चों लिफाफे के ऊपर मोर है बच्चों, क्लियर। जो लिफाफा है उसके अंदर डेटा होता है, तो डेटा आप सबको पता है पैकेट के साथ डेटा इतने बाइट का जा सकता है। और बच्चों जो हेडर, हेडर है जो पैकेट की इन्फॉर्मेशन, जो डेटा की इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, वो 20 बाइट से लगा के 60 बाइट तक का हो सकता है। जो नेसेसरी फील्ड है वो 5 है बच्चों, ये फील्ड डेस्टिनेशन एड्रेस नेसेसरी है, सोर्स आईपी नेसेसरी है, टाइम टू लिव नेसेसरी है, प्रोटोकॉल नेसेसरी है, हेडर चेकसम बच्चों नेसेसरी है, आइडेंटिफिकेशन बिट नेसेसरी है बच्चों, क्लियर। यहाँ पर 0 होती है, ये DFMF और फ्रेगमेंट ऑफसेट ये नेसेसरी है, टोटल लेंथ नेसेसरी है, टाइप ऑफ सर्विस नेसेसरी है, हेडर लेंथ नेसेसरी है, वर्जन ये भी नेसेसरी है, लेकिन ऑप्शन पैडिंग ये नेसेसरी नहीं है। ये कितने बिट के हो सकते, बाइट के हो सकते हैं, 40 बाइट के हो सकते हैं, क्या यूज है इनका देखेंगे अपन। लेकिन बच्चों ये कितने बिट के, बाइट के, 20 बाइट है। ये क्या है, ये आपके डेटा के साथ इन्फॉर्मेशन जा रही है, आप सबको पता है बच्चों डेटा के साथ इन्फॉर्मेशन जा रही है।
तो एक बार बताइए, बड़ा सा बड़ा डेटा क्या जा सकता है? ये जा सकता है। तो बच्चों बड़े से बड़ा डेटा क्या जा सकता है? मैक्सिमम डेटा साइज क्या हो सकती है? मैक्सिमम पे लोड की साइज क्या हो सकती है? तो मैक्सिमम पे लोड की साइज आपकी 65,515 हो सकती है। बच्चों क्लियर? तो ये याद रखना, मैक्सिमम पे लोड अगर ये जा रहा है तो बच्चों याद रखना, तो जो आपकी हेडर की साइज है वो कितनी जाएगी मैक्सिमम? तो 20 जाएगी। बच्चों क्लियर? तो याद रखना 65,535, आप ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, 65,535 से बड़ा, इससे बड़ा डेटा नहीं जा सकता एक पैकेट के अंदर। मैक्सिमम एक पैकेट के अंदर जो डेटा जाएगा वो इतना जाएगा। मान लो ये पैकेट है, तो ये पैकेट जो है ना बच्चों, इस पैकेट के अंदर ये क्या है? तो ये आपका डेटा है बच्चों। ये क्या है? तो ये आपका हेडर है बच्चों। क्लियर? तो ये हेडर है ना, ये आपका 20 से लगा के 40 बाइट तक हो सकता है, 20 से लगा के 60 बाइट तक हो सकता है। जो हेडर है ये 20 से लगा के 60 बाइट तक हो सकता है बच्चों। क्लियर? और जो ये डेटा है ये 0 से लगा के बच्चों 65,515 बाइट तक हो सकता है बच्चों। क्लियर? और याद रखिए, जो आपका ये पैकेट है, ये पूरा पैकेट है बच्चों, जो ये पूरा पैकेट है, ध्यान रखना, ये जो पूरा पैकेट है ये 2 की पावर 16 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब 65,535 बाइट से बड़ा नहीं हो सकता बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, 2 की पावर 16। अब जीरो से तो स्टार्ट करेंगे नहीं, तो 65,535 बाइट से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना, सबको पता है ये पूरा पैकेट है, ये पूरा पैकेट है। पैकेट में दो ही चीज है, एक तो हेडर है बच्चों। क्लियर? और एक क्या है बच्चों? आपका डेटा है। तो जो हेडर है वो कितने बाइट का हो सकता है IPv4 का? तो 20 बाइट से लगा के 60 बाइट तक का हो सकता है बच्चों। क्लियर? और डेटा क्या है? तो डेटा 0 से लगा के 65,515 बाइट तक हो सकता है बच्चों। क्लियर? और पूरा का पूरा एक पैकेट कितने का होगा? तो पूरा का पूरा एक पैकेट की बात करूं यहां से अंत तक, तो ये 65,535 बाइट से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर? 15 और 20 जोड़ दो तो 65,535 बाइट का एक हेडर हो सकता है। क्लियर? तो ये चीज अगर आपके समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कर दो कि यहां सब पूरा क्लियर हो गया। कि हेडर की बात करेंगे, ये क्या है? हेडर है, ये हेडर है जो डेटा के साथ इंफॉर्मेशन लेके जाता है। तो IPv4 का ये हेडर है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो एक एक चीज को आपको समझना है। क्लियर? मेन डेटा से अलग नहीं होता, जो पैकेट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक हेडर और एक डेटा बच्चों। क्लियर? तो डेटा तो ये हो गया आपका, और हेडर ये हो गया, और मैक्सिमम जो पैकेट की साइज है वो फिक्स है बच्चों। डेटाग्राम पैकेट की साइज फिक्स है 65,535। क्या ये क्लियर है सबके? 65,535 में ही एक हेडर होता है और एक डेटा होता है। हेडर बढ़ा दोगे, अगर हेडर बढ़ा दोगे तो डेटा कम करना पड़ेगा आपको बच्चों। क्लियर? अच्छा, कोई ये पूछ ले आपसे थोड़ी देर के लिए, सबसे छोटा पैकेट कितने का हो सकता है? सबसे छोटा पैकेट बच्चों। क्लियर? तो सबसे छोटा पैकेट बच्चों, आप हेडर ले लो 20 बाइट का, क्या ले लो? हेडर, और डेटा ले लो 0 बाइट का। तो बच्चों सबसे छोटा पैकेट ये बन गया। सबसे छोटा पैकेट जो आपका होगा, छोटा पैकेट, वो कितना बनेगा? तो सबसे छोटा पैकेट आपका बच्चों कितना बन गया? 20 बाइट का बन गया बच्चों। क्लियर? तो पैकेट की साइज सबकी अलग अलग होती है, ये मैक्सिमम साइज है किसी पैकेट की, ये पॉइंट याद रखना। तो मैक्सिमम साइज पूछे तो 65,535 होगी, और सबसे छोटा पैकेट कितने का होगा? 20 बाइट। क्या ये क्लियर है? क्लियर है? ट्रेलर बच्चों नेटवर्क लेयर के ऊपर होता ही नहीं, नेटवर्क लेयर के ऊपर नहीं होता ये, डेटा लिंक लेयर के ऊपर लगता है। कौन? ट्रेलर। क्लियर है क्या? जय मीरवाल, समझ में आ गया? क्या ये क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि पूरा का पूरा एक पैकेट है, ये पूरा का पूरा एक पैकेट है, ये पूरा का पूरा एक पैकेट है। अब पैकेट के अंदर दो चीज है, एक तो डेटा है और एक हेडर है बच्चों। अब जो हेडर है उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? तो जो हेडर है वो कम से कम 20 बाइट का तो होगा, और जरा जरा 60 बाइट का होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। IPv4 का फॉर्मेट बहुत आता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि नेटवर्क लेयर के ऊपर बताइए क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल नहीं। चलिए, तो वर्जन इज ए 4-bit फील्ड डेट इंडिकेट द IPv4, ठीक है? तो बच्चों याद रखिए, इसमें मिनिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स है। IPv4 के लिए यह भरी जाएगी, IPv6 के लिए यह भरी जाएगी। क्लियर? द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड IP वर्जन आर वर्जन 4, ठीक है? हर लाइन को समझना, और वर्जन 6। ओनली IPv4 यूज द अबव हेडर, ठीक है? जो ये हेडर की बात कर रहे हैं ये IPv4 ही यूज करेगा। शो दिस फील्ड ऑलवेज कंटेन द डेसिमल वैल्यू 4, ठीक है? बच्चों एक भी पॉइंट में अगर कहीं दिक्कत आए तो बताते रहिएगा, ये नोट को तो रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, यहां तक का पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इस पॉइंट के ऊपर आइए, हेडर लेंथ दूसरे फील्ड के ऊपर आइए। ये क्या बताता है? वर्जन। क्या ये IPv4 के लिए फिक्स है? यस, इसमें वैल्यू होगी ये 4 बच्चों। क्लियर? IPv6 के लिए इसके अंदर 6 वैल्यू होगी। अब आ जाइए हेडर लेंथ। हेडर लेंथ क्या बताता है?
तो हेडर लेंथ ये बताता है कि आपके हेडर की साइज क्या है बच्चों, क्लियर। अब हेडर की साइज आप सबको पता है 20 बाइट से लगा के हेडर की लेंथ, हेडर लेंथ, हेडर लेंथ बच्चों, हेडर लेंथ क्या बताता है? तो हेडर लेंथ क्या बताता है सोचो जरा, हेडर लेंथ की अगर मैं बात करूं तो हेडर लेंथ ये बताता है कि हेडर की साइज क्या है बच्चों। एक्चुअल डेटा के अलावा जो जा रहा है ओवरहेड जिसको कहते हैं वो यहाँ पर हेडर है। तो हेडर लेंथ क्या होगी 20 बाइट से लगा के कितने बाइट तक होगी बच्चों, 7 बाइट बच्चों, क्लियर। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है, 20 बाइट से 60 बाइट। अब ये रिप्रेजेंट कितने बिट का करना है, 4 बिट। अब 4 बिट में बच्चों 0000 से लगा के अपन इसकी वैल्यू मैक्सिमम 15 भर सकते हैं। अब बच्चों एक बार बताइए, कोई ये कह दे कि हेडर की लेंथ 60 है तो 60 तो भर ही नहीं सकते इसमें, इसमें तो 0 से 15 ही भर सकते हैं अपन बच्चों, क्लियर। तो एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करना, क्लियर है बच्चों। क्या क्लियर करना चाह रहा हूं कि ये ऑटोमेटिक मल्टीपल ऑफ 4 होता है, मल्टीपल ऑफ 4 होता है बच्चों, क्लियर। तो मल्टीपल ऑफ 4 बच्चों तो समझना, तो अगर इसको मल्टीपल 4 करेंगे तो ये तो 0 ही बनेगा। अब बच्चों 0001 ये 1 है, इंटू 4 करेंगे तो 4 ही बनेगा, तो ये कुछ भी काम का नहीं है। आपका काम कहां से स्टार्ट होगा, तो 1001 जिसको अपन क्या कहते हैं 5, और हाईएस्ट क्या बनेगा 1111 जिसको अपन क्या कहते हैं 15। तो बच्चों ये बनेगा 5×4 और ये बनेगा 15×4 बच्चों, क्लियर। तो कोई ये पूछ ले इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी, और बच्चों याद रखना इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1111 होगी बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि हेडर लेंथ बच्चों अगर यहाँ पर ये भरा हुआ है तो ये साइज ले लेगा 20, और ये भरा हुआ है तो साइज ले लेगा 60, और इनके बीच की वैल्यू हो सकती है 0000 से लगा के बच्चों 10100 इसमें यूज नहीं आता बच्चों, क्लियर। ये कभी भी यूज नहीं आएगा, कितने 5 यूज नहीं आएंगे। अब इसका कंसेप्ट क्या लिया गया है कि ये 5 फिक्स है बच्चों, क्लियर। तो ये 5 लाइन को ये नंबरिंग दे दी गई, क्या बच्चों 0000 बच्चों 0001 बच्चों 0010 बच्चों 0011 और 0100 ये इनको दे दी गई बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए इनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यह अलग अलग वैल्यू दे दी गई, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ बच्चों, इसकी स्केलिंग कितने से की जाती है, तो इसकी स्केलिंग की जाती है 4 से बच्चों, क्लियर। इसकी स्केलिंग किससे की जाती है, 4 से। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि हेडर लेंथ की वैल्यू क्या होगी, क्या ये हो सकती है हेडर लेंथ, हेडर लेंथ। देखिए एक तो ये कह रहा है लेंथ फील्ड, तो लेंथ फील्ड में अपन मिनिमम क्या भर सकते हैं, तो लेंथ फील्ड में मिनिमम अपन ये भर सकते हैं और मैक्सिमम अपन ये भर सकते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ फील्ड। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेंथ फील्ड बोले तो लेंथ फील्ड ही बताओ, तो लेंथ फील्ड में मिनिमम वैल्यू ये होगी बच्चों, क्या भरा जाएगा 5, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो लेंथ फील्ड में, लेंथ फील्ड के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या भरी जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू भरी जाएगी ये बच्चों, क्लियर। ये कितना है, तो बच्चों ये है 15 बच्चों, क्लियर। तो स्केलिंग किससे होती है, तो लेंथ फील्ड की स्केलिंग पूछ ले। अरे इतने क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी के जिसकी कोई हद नहीं, लेंथ फील्ड, हेडर लेंथ फील्ड, हेडर लेंथ फील्ड, हेडर लेंथ फील्ड की स्केलिंग कितने से होगी, तो बच्चों स्केलिंग फील्ड स्केलिंग कितने से होगी, याद रखना हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे आज में, थोड़ा सा दिमाग लगाना। स्केलिंग होगी किससे, 4 से, स्केलिंग बाई 4 बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अगर ये सारी चीज क्लियर है तो एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं। एडर लेंथ इज, हाँ जी थोड़ा सा ये ऊपर नीचे लगा दिया लेकिन क्या करे, स्पेस का अभाव है, कोशिश करना पढ़ने की बच्चों। हेडर लेंथ इज 4 बिट फील्ड डेट कंटेंट, 4 बिट है, देखिए 4 बिट है, अब 4 बिट में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बच्चों। तो हेडर लेंथ इज 4 बिट फील्ड डेट कंटेंट द लेंथ ऑफ द आईपी हेडर, इट हेल्प इन नोइंग फ्रॉम वेयर द एक्चुअल डेटा बिगेन, मतलब डेटा एक्चुअल कहां से स्टार्ट होता है, इट हेल्प्स इन नोइंग फ्रॉम वेयर द एक्चुअल डेटा बिगेन्स, मतलब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसमें यह बोलना चाहिए था कि हेडर लेंथ क्या है, हेडर लेंथ क्या है, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम हेडर लेंथ, ठीक है, क्या हेडर लेंथ बदलती है, यस, मिनिमम हेडर लेंथ 20 बाइट और ये 60 बाइट, हेडर लेंथ, हेडर लेंथ अलग है, हेडर फील्ड अलग है बच्चों, क्लियर। मिनिमम हेडर फील्ड क्या होगा 5, मैक्सिमम क्या होगा 15 बच्चों। हेडर लेंथ बदलती है, बिल्कुल बदलती है, पैकेट की साइज कम ज्यादा होती है, बिल्कुल होती है, ये फिक्स है बच्चों। फ्रेम की साइज कम ज्यादा होती है, बिल्कुल होती है, वहां अगर देखा हो तो 46 बाइट से लगा के पे लोड बच्चों 1500 तक जा रहा था, तो फ्रेम भी घट बढ़ रहा था, तो यहाँ पर भी पैकेट छोटा बड़ा होता है। द इनिशियल 5 रो ऑफ द आईपी हेडर आर ऑलवेज यूज, देखिए 5 रो 1, 2, 3, 4, 5 हमेशा यूज आती है बच्चों, क्लियर। सो मिनिमम लेंथ ऑफ आईपी हेडर इज 20 बाइट बच्चों, क्लियर। चलिए
जहां तक आईपी एड्रेस का कम से कम आप एक बार बताइए कितने बाइट का, 4 बाइट, ये भी 4 बाइट, ये भी 4 बाइट, ये भी 4 बाइट, ये भी 4 बाइट, तो कॉमन सी बात है कम से कम हेडर 20 बाइट का तो होगा ही। द साइज ऑफ द सिक्स रो रिप्रेजेंटिंग द ऑप्शन फील्ड, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये कहां से कहां तक होता है, ये 0 से 40 बाइट तक हो सकता है, 0 से 40 बाइट तक। यहां पर क्या होता है, डेटा होता है। द साइज ऑफ ऑप्शन फील्ड कैन गो टू, कई बार ये आ जाता है ऑप्शन फील्ड की साइज बताओ, तो ऑप्शन फील्ड की जो साइज है वो कितने बाइट है बच्चों, 40 बाइट है बच्चों, क्लियर, ठीक है। जिसके अंदर आपने सुना हो तो पेडिंग आती है, पेडिंग क्यों लेते हैं वो देखेंगे अपन। सो मैक्सिमम लेंथ ऑफ आईपी हेडर इज 20 बाइट, 20 बाइट नेसेसरी है क्योंकि पांचों, ये पांच रो, 1, 2, 3, 4, 5 रो तो जरूरी है, और 40 बाइट बच्चों क्या है, ऑप्शनल है, तो कितना हो गया, 60 बाइट, क्लियर। अगर सब बच्चों के समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर है। इतनी थ्योरी बनती है बच्चों नेटवर्किंग की, लगभग पूरी थ्योरी आईपी एड्रेस में से बन जाती है, IPv4 बच्चों, क्लियर। नेटवर्क लेयर में अगर थ्योरी बनेगी तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा। हेडर की साइज अलग है, पैकेट की साइज अलग है बच्चों, डेटा की साइज अलग है, पेलोड, पेलोड डेटा वो सब चीज अलग है बच्चों, नंबरिंग कहां से कहां देनी है, फील्ड अलग है, फील्ड अलग है, हेडर की जो लेंथ है वो अलग है। हेडर फील्ड में डेटा क्या आएगा, तो मिनिमम डेटा 5 और मैक्सिमम डेटा 20, स्केलिंग फैक्टर क्या है तो 4 है, ये सब चीज आपके क्लियर हो जानी चाहिए। क्या ये क्लियर है बच्चों, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा, एक बार कमेंट कर दीजिए। सर साइड में जो यूनिक नंबर लिखा है वो क्या है, साइड में जो यूनिक नंबर लिखा है वो क्या है, कहां लिखा है साइड में जो यूनिक नंबर, ये तो यूनिक नंबर कहां लिखा है भाई बाबू, ये तो ये है कि ये जो भाई जीरो से, आप बताइए इस फील्ड में, इस फील्ड की वैल्यू क्या भर सकते हैं अपन, लोएस्ट से लोएस्ट ये भर सकते हैं, ये बन तो ये भी जाती है, तो इसको रिप्रेजेंट नहीं करते, ये बताते हैं कि जो पांच है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पांच रो जरूर आएगी, तो इनकी नेसेसरी को यूज करने के लिए इनको यूज किया गया बच्चों, क्लियर। अब 5 नंबर से अपन यहाँ पर भर सकते हैं, इसलिए स्केलिंग फैक्टर 4 रखा गया, क्लियर। 5 नंबर लिखना है ना आपने, बिल्कुल 5 नंबर से अपन को स्टार्ट करना है, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि इस फील्ड के अंदर मिनिमम वैल्यू 5 आएगी, और बच्चों हेडर लेंथ मिनिमम 20 होगी, और स्केलिंग आपकी 4 होगी, तो 20 से लगा के 60 बाइट तक का आपका हेडर हो सकता है। क्या ये क्लियर है, क्लियर है बच्चों, जल्दी कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसमें 1 बाइट आ गया तो इनवैलिड हेडर हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही है। अगर यहां पर आपने 1 भर दिया, 0001 भर दिया, या 4 तक कुछ भी भर दिया, तो इनवैलिड हेडर हो जाएगा बच्चों, क्लियर, जो ड्रॉप हो जाता है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हर चीज थ्योरी की है, हर चीज थ्योरी की है, थ्योरी को समझिए, थ्योरी को समझिए, क्या कहना चाह रहा हूं, विचार कीजिए, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अब आइए आप टाइप ऑफ सर्विस बच्चों, क्लियर, तो इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। अच्छा बच्चों ये भी देख लो, कंसेप्ट ऑफ स्केलिंग फैक्टर, हेडर लेंथ इज 4 बिट फील्ड, ठीक है, ये 4 बिट फील्ड है, सो द रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यू डेट कैन बी रिप्रेजेंट 0 to 15, ठीक है, बट द रेंज ऑफ हेडर लेंथ इज दिस, बच्चों हेडर लेंथ अलग चीज है, हेडर फील्ड, हेडर लेंथ फील्ड अलग चीज है, सो द रिप्रेजेंट द हेडर लेंथ वी यूज ए स्केलिंग फैक्टर ऑफ 4, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, बहुत सारे आपकी थ्योरी बनती है, तो मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। लेंथ फील्ड का यूज क्या है, लेंथ फील्ड का यूज क्या है, इतनी देर बोलते बोलते हो गई, लेंथ फील्ड ये बताएगा कि हेडर कितने बाइट का है बच्चों, क्लियर, लेंथ फील्ड ये बताएगा हेडर कितने बाइट का, हेडर 20 बाइट का भी हो सकता है और हेडर 60 बाइट का भी हो सकता है, मिनिमम 20 बाइट का होगा, मैक्सिमम 60 बाइट का होगा, तो बच्चों ये बताएगा राउटर को कि हेडर कितना बड़ा है बच्चों, क्लियर, और फिर उसके बाद डेटा, कोई राउटर इंसान थोड़ी है कि वो देख के पहचान लेगा, वहां तो 10 10 10 10 जा रहा है, तो वो हेडर में देखेगा तभी तो उसको पता चलेगा कि हेडर लेंथ कितने बाइट की है बच्चों, क्लियर, ये क्लियर है क्या बच्चों, ये सब इंफॉर्मेशन फील्ड है, ये सब इंफॉर्मेशन देने के काम में आते हैं, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं तो कमेंट बहुत स्लो चलता है इस बैच का, लेवल ही नहीं है बैच का, प्रोग्रामर के लिए बात करते हो आप, और प्रोग्रामर का वो गट्स ही नहीं है आपके अंदर जो होना चाहिए, वो जुनून नहीं है कि यार ठीक है सर कड़वा भी खाना है करेला भी खाना है, 5 बार एक ही चीज को बोल चुका हूं, 5 बार एक ही चीज को बोल चुका हूं कि जब पैकेट बनते हैं तो पैकेट किसी की साइज होती है, और पैकेट के अंदर हेडर और डेटा होता है, और जो हेडर होता है वो 20 से 60 बाइट होता है, और जो डेटा होता है वो 0 से 65,515 बाइट तक का हो सकता है,
और जो पूरा पैकेट होता है वो मैक्सिमम 65,535 बाइट का हो सकता है। क्लियर, ये सारी चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। सर 5 से 15 हेडर फील्ड का यूज क्या है? 5 से 15 हेडर फील्ड का यूज क्या है? सत्यनारायण जी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपके। मैं ये कह रहा हूं अगर 5 डाला आपने 1000 0101 इसके अंदर, इस हेडर फील्ड के अंदर अगर आपने ये डाला, क्या डाला 0101, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितने बाइट का? तो बच्चों ये बना 5 इंटू स्केलिंग फैक्टर 4, ये 20 बाइट का हेडर, 20 बाइट का हेडर है। इसका मतलब ये दोनों चीज नहीं है इसमें, केवल ये नेसेसरी 5 चीज ही है बच्चों। क्लियर, अगर मैं ये कर दूं कि यहां पर डाल दूं मैं 1111 तो ये बनेगा 15 × 4, इसका मतलब ये 7 बाइट का हेडर है बच्चों। क्लियर, लेकिन अगर मैं इस फील्ड में डाल दूं 0000 तो बच्चों 0 से 0 × 4 तो 4 बाइट का हेडर बन ही नहीं सकता, इसलिए ये डिस्कार्ड हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ गया सबके? सर टोटल 65,536 होना चाहिए ना, 2 की पावर 16 -1 करना है। क्लियर है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो कितना बाइट बच्चों। क्लियर, कितना बाइट? तो पैकेट बनेगा तो 1 बाइट का तो होगा ही ना, कम से कम 1 बाइट का तो होगा ही ना। पैकेट अगर कोई बनता है तो 0 बाइट का कोई पैकेट बनाएगा क्या? दिनेश जी एक बार बताइए, मैंने कहा कितने लोग आए, तो लोग कितने आए? तो बच्चों कम से कम एक तो आना ही चाहिए। आप पैकेट बना रहे हो तो कितने बाइट का बन सकता है? क्लियर, विचार कीजिए। अब पैकेट की साइज बच्चों वो 0 भी नहीं हो सकती, ये भी याद रखना, 20 से स्टार्ट होगा पैकेट, कम से कम 20, क्योंकि उसमें डेटा नहीं जाएगा लेकिन हेडर तो जाएगा बच्चों। क्लियर, पैकेट की मिनिमम साइज ही 20 होती है। क्या ये क्लियर है बच्चों? और मैक्सिमम साइज 65,535 ही होता है, क्योंकि 36 2 की पावर 17 से रिप्रेजेंट होता है, 16 से रिप्रेजेंट नहीं होता। अच्छा एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 65,535 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए? 16 बिट। और आप यहां पर देखिए टोटल लेंथ किसकी, पैकेट की, पैकेट की टोटल लेंथ, तो पैकेट की टोटल लेंथ 2 की पावर 16, तो बच्चों क्या होगा, तो 2 की पावर 16 है ना बच्चों, तो 0 से आप काउंट कर रहे हो लेकिन जब रिप्रेजेंट करते हो तो आप सबको पता है ये 1111111111, यही तो मैक्सिमम होगा और इसकी वैल्यू 65,535 बनती है। क्लियर है बच्चों? आप कोई काउंटिंग थोड़ी कर रहे हो यहाँ पर, आप काउंटिंग नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हो यहाँ पर आपको ये बताना है कि पैकेट की साइज क्या है, तो आप सारे वन भर दो 16 के 16, अब 16 के 16 वन भरोगे तो मैक्सिमम साइज पैकेट की होगी बच्चों। क्लियर, तो पैकेट की मैक्सिमम साइज, पैकेट की मैक्सिमम साइज, पैकेट की मैक्सिमम साइज, पैकेट की मैक्सिमम साइज क्या है? 65,535। अब इसमें भी दो चीज है, पेलोड भी है और बच्चों हेडर भी है। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? कोई काउंटिंग थोड़ी कर रहे हो कि 0 से स्टार्ट करके। हाँ पैकेट की मिनिमम, पैकेट जो मिनिमम होता है वो कितने का होता है? ये पैकेट है, यहाँ पर ये हेडर है, यहाँ पर ये डेटा है, हेडर 20 का कम से कम होगा, डेटा 0 का, तो मिनिमम पैकेट कितने का होगा? 20 बाइट का होगा। मैक्सिमम पैकेट कितने का होगा? तो मैक्सिमम पैकेट, ठीक है, मैक्सिमम पैकेट बच्चों 65,535 बाइट का होगा, क्योंकि इसके 2 की पावर 16 के द्वारा, क्योंकि 16 बिट के द्वारा ही अपन साइज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इतना होगा। अब कॉमन सी बात है, इसमें अगर 20 बिट का बाइट का हेडर लिया तो आपको ये लेना होगा 65,515 बाइट का बच्चों। क्लियर, और अगर 60 बाइट का लिया तो बच्चों आपको लेना होगा 65,535 में से 60 हटा दो तो 65,400 बच्चों। क्लियर, अगर 60 हटा देंगे तो क्या आएगा, 65,535 बनाना है मैक्सिमम। 60 बाइट का हेडर ले लिया तो बच्चों आप बताइए 65,535 में से 60 घटा दीजिए तो 5 होगा, ये कितना 7 होगा, ये 4 होगा, तो बच्चों 65,475 बाइट का होगा। क्लियर, मेरे हिसाब से सब चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। क्लियर, पैकेट अलग है, ये क्या चीज है, ये पैकेट है। तो बच्चों पैकेट मिनिमम से मिनिमम कितने बाइट का है? 0 का भी नहीं बनेगा, कितने का बनेगा बच्चों? 20 बाइट का। और हेडर मिनिमम से मिनिमम 20 बाइट और मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 बाइट और डेटा मिनिमम से मिनिमम 0 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 65,515। क्लियर, रटो मत, हर चीज को समझो, समझोगे तो काम हो जाएगा। क्लियर, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन ये पॉइंट, ए पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, इसका स्केलिंग फैक्टर क्या है? तो इसका स्केलिंग फैक्टर है बच्चों 4 बच्चों। क्लियर, कितने बिट यूज आती है? 4 वर्जन में कितने बिट? 4 टाइप ऑफ सर्विस बच्चों। क्लियर, टाइप ऑफ सर्विस में कितने बिट होती है? 8। क्लियर, प्रोटोकॉल में भी 8 पर टाइप ऑफ सर्विस में भी कितनी होती है? 8। क्लियर, अब टाइप ऑफ सर्विस क्या है उसकी भी अपन चर्चा करें। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हर चीज क्लियर है, पूरी थ्योरी क्लियर है,
छोरी में इतनी तकलीफ हो रही है, मेरे समझ से बाहर। अगर छोरी में इतनी तकलीफ होगी तो न्यूमेरिकल कैसे कर पाओगे? तो थ्योरी तो आपकी क्लियर होनी चाहिए। लाइनें रटी होती है, बच्चे जो पढ़ते हैं ना एसीपी प्रोग्रामर के बच्चे होते हैं उनके लाइनें रटी होती है। अरे सर ये हो गया, ठीक है, तो आप तो पढ़ ही नहीं पा रहे हो, क्या हालत कर रखी आप लोगों ने। आप आइए, ऑफलाइन में सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, इतना थोड़ी रुका जाता है, सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, सपोर्ट करो। हाँ ठीक है सर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हर चीज में कंफ्यूजन को दूर करो। एग्जाम्पल देखिए, इफ हेडर लेंथ फील्ड कंटेंट डेसिमल वैल्यू 5, अगर हेडर लेंथ में कितनी रख दी 5, बच्चों क्लियर, तो 5 × 4 20 बाइट का हेडर होगा, बच्चों क्लियर। अगर यहाँ पर जो डेसिमल वैल्यू 10 है, 10 का मतलब सबको पता है ये भरा होगा तो 10, तो बच्चों ये 40 का होगा, और मैक्सिमम आप क्या भर सकते हो 1111 4 बिट का, तो 15 × 4 60 बाइट का होगा, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों देखिए, हेडर लेंथ एंड हेडर लेंथ फील्ड ये दोनों अलग अलग है, हेडर लेंथ अलग है और हेडर लेंथ फील्ड अलग है, तो ये कितने बिट का है, ये 4 बिट का है, और हेडर लेंथ कितनी है, तो बच्चों ये आपके 20 बाइट से लगा के 60 बाइट तक है, बच्चों क्लियर। चलिए, द रेंज ऑफ हेडर लेंथ फील्ड, हेडर लेंथ फील्ड की रेंज क्या है, तो 5 से 15 है, और हेडर लेंथ 20 से 60 है, बच्चों क्लियर। तो ये याद रखना, इफ द गिवन वैल्यू इज इन द रेंज देन मस्ट बी द हेडर लेंथ फील्ड, बच्चों क्लियर। दिस इज बिकॉज द रेंज ऑफ हेडर लेंथ इज ऑलवेज 20 to 60, क्लियर। याद रखिए, इतने जबरदस्त जबरदस्त आर्टिकल है जिनकी कोई हद नहीं है। गेट विद्यालय नाम की एक वेबसाइट है, उसके सारे आर्टिकल पढ़ लीजिए बच्चों। गिक फॉर गिक है, उसके सारे आर्टिकल पढ़ लीजिए। किताबों की औकात ही नहीं है बच्चों, किताबों की औकात ही नहीं है, कितना मेटेरियल आपको मिल जाए। आर्टिकल पढ़ो जितने पढ़ सकते हो, हर टॉपिक के आर्टिकल कवर कर लीजिए, हर टॉपिक गेट विद्यालय, बच्चों क्लियर, गेट विद्यालय आर्टिकल पढ़ लीजिए, उसके नेटवर्किंग के बहुत सारे आर्टिकल है, उनको आप पढ़ लीजिए विद्यालय, बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए। टाइप ऑफ सर्विस, टाइप ऑफ सर्विस को भी देख लेते हैं अपन। अब तो आपके समझ में आने लगी क्या होगा, हो क्या रहा, विचार कीजिए। फील्ड इज फिक्स एंड लेंथ वेरीज, फील्ड इज फिक्स, वेरी गुड, और लेंथ वेरी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है क्या, बिल्कुल कोई सही चीज होगी तो मैं आपकी तारीफ भी करूंगा। हाँ बिल्कुल सही, क्लियर है बच्चों, ठीक है। गेट विद्यालय की लैंग्वेज भेजिए, ठीक, वो तो आप देख लीजिएगा बाकी। अरे कोई एक वेबसाइट नहीं है, सब कट कॉपी पेस्ट ही तो है, 100 से ऊपर वेबसाइट है, किसी को भी पढ़ लो, लेकिन आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करो, इतना किताबों के पीछे मत पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, समझो, अरविंद सर से समझो हर चीज को, कि हाँ सर ये बताइए, ये चीज समझ नहीं आ रही, सब मैं समझा दूंगा, आर्टिकल तो पढ़ो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, खुद के नोट्स बनाओगे वो काम आएंगे, दूसरों के नोट्स की रीडिंग कर रहे हो कुछ नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़ते, टाइप ऑफ सर्विस, ठीक है, टाइप ऑफ सर्विस इज 8 बिट फील्ड, ये क्वेश्चन आया था, टाइप ऑफ सर्विस IPv4 में कितने बिट का होता है, 8 बिट, टाइप ऑफ सर्विस इज 8 बिट फील्ड, डेट इज यूज्ड फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। द डेटाग्राम इज मार्क्ड, ये डेटाग्राम होते हैं सबको पता है, द डेटाग्राम इज मार्क्ड फॉर गिविंग ए सर्टेन ट्रीटमेंट यूजिंग दिस फील्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइप ऑफ सर्विस, बच्चों टाइप ऑफ सर्विस क्या है बच्चों, क्लियर। तो ये बताएगा कि ये आप सबको पता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंफॉर्मेटिव पैकेट है या क्या है, ये पैकेट किसके लिए, ये पैकेट किसके लिए, दुनिया में बहुत सारी सर्विसेज है बच्चों, क्लियर, किसके लिए, इंफॉर्मेटिव है या सजेशन के लिए है या रिपोर्ट के लिए है या एरर मैसेज के लिए है, ये पैकेट है किसके लिए बच्चों, क्लियर। तो हर एक तरीके की सर्विस के कोड होते हैं बच्चों, कहां से कहां तक, जीरो से लगा के 127 तक कोड है, कि जीरो भरा है तो ये सर्विस प्रोवाइड करेगा बच्चों, 1 है तो ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, 2 है तो ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, और इसके अंदर अगर सारे 1 है तो बच्चों ये सर्विस प्रोवाइड करेगा बच्चों, क्लियर। तो सर्विस, टाइप ऑफ सर्विस बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। सर्विस का मतलब होता है कि ये पैकेट का वर्क क्या है, ये पैकेट क्या डेटा पैकेट है, क्या ये है, ये पैकेट जो है ये इंफॉर्मेटिव पैकेट है, क्या ये पैकेट जो है ये कोई मैसेज पैकेट है, या ये एरर पैकेट है, या फिर बच्चों ये इंफॉर्मेटिव पैकेट है, या कैसा पैकेट है ये बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए, इसके अलावा भी अलग अलग तरीके के पैकेट हो सकते हैं, लेकिन सर्विस कितनी तरीके की है, 128 तरीके की सर्विस है बच्चों, क्लियर। 128 बच्चों, क्लियर, याद रखिए, 1 2 4 8 16 16 32
64 क्लियर 128। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 256 तरीके की सर्विस है। यहां से गलत लिख दिया मैंने, या 256 तरीके की सर्विस डिफाइन हो सकती है। कोई पूछे कि मैक्सिमम कितनी सर्विस डिफाइन हो सकती है, तो 256 सर्विस डिफाइन हो सकती है। बच्चों क्लियर, यहाँ पर ये जो वर्ड है ये गलत है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके की सर्विस के लिए ये काम करता है। तो 0 से 255 टोटल सर्विस कितनी होगी, टोटल टाइप ऑफ सर्विस, टाइप ऑफ सर्विस बच्चों क्लियर, क्या सभी तरीके की उपलब्ध है, नहीं, सर्विस बच्चों क्लियर, टाइप ऑफ सर्विस बच्चों क्लियर, ये कितनी होगी 256 टाइप की है, क्या सभी उपलब्ध है, नहीं, जैसे जैसे डिफाइन होती जा रही है वैसे वैसे आ रहा है। क्लियर, यहां पर आइए, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गई बच्चों, टाइप ऑफ सर्विस हो गया, हेडर लेंथ हो गया, वर्जन हो गया, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब आ जाइए टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ये बताएगा पैकेट की लेंथ कितनी है, पैकेट लेंथ कितनी है, पैकेट लेंथ कितनी है बच्चों क्लियर, तो पैकेट लेंथ सारे वन कर दूंगा मैं तो बच्चों क्या हो जाएगी 65,535 बच्चों क्लियर, ये मैक्सिमम पैकेट लेंथ है, मिनिमम पैकेट लेंथ क्या होगी, तो मिनिमम पैकेट लेंथ 20 बाइट हो सकती है बच्चों क्लियर, और याद रखिए मैक्सिमम क्या हो सकती है 65,535, जिसके साथ ये एड्रेस जा रहा है उस पैकेट की पूरी लेंथ, क्या पूरे पैकेट की लेंथ बताएगा, यस क्लियर, तो टोटल लेंथ इज 16 बिट फील्ड, डेट कंटेंट टोटल लेंथ ऑफ द डेटाग्राम इन बाइट, टोटल लेंथ हेडर लेंथ प्लस पेलोड लेंथ बच्चों क्लियर, मिनिमम टोटल लेंथ ऑफ डेटाग्राम 20 बाइट, क्या है एडर, और 0 बाइट क्या है बच्चों डेटा, मैक्सिमम टोटल लेंथ ऑफ डेटाग्राम, तो बच्चों डेटाग्राम जो है जो आपका पूरा पैकेट है बच्चों क्लियर, मैक्सिमम क्या होगी बच्चों 65,535 बाइट, क्लियर, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है जिसकी कोई हद नहीं, छोटे से छोटे एग्जाम में क्वेश्चन टपक पड़ता है बच्चों क्लियर, टाइप ऑफ पैकेट, वेरी गुड, टाइप ऑफ पैकेट कौन बताएगा, पैकेट सर्विस बच्चों क्लियर, टाइप ऑफ पैकेट नहीं बोल के उसको पैकेट सर्विस बोलेंगे, किस तरीके की क्वालिटी की वो सर्विस प्रोवाइड करता है, क्लियर, QoS बोलते हैं इसको, क्लियर, क्वालिटी ऑफ सर्विस, एक बार कमेंट कर दो इसके लिए टोटल लेंथ, तो पहली रो खत्म, पहली रो को रट लो, वर्जन, हेडर लेंथ, टाइप ऑफ सर्विस और बच्चों टोटल लेंथ, क्या ये क्लियर है, ये 16 बिट का है और ये तीनों मिला के 16 बिट का है, वर्जन 4 का, हेडर लेंथ 4 की, टाइप ऑफ सर्विस 8 बिट का, क्लियर, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक की लाइन में हमको कोई दिक्कत नहीं, IPv4 के पहले पैकेट, पहली लाइन आपकी खत्म है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अब चलिए अपन बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है बच्चों सुनिए, देखिए एक डेटा है, एक डेटा है उसका कोई जरूरी नहीं है एक ही पैकेट हो बच्चों क्लियर, तो एक बार बताइए कोई डेटा है, एक मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, फ्रेम की साइज क्या होती है, फ्रेम की साइज होती है 46 बाइट से लगा के 1500 बाइट इथरनेट के ऊपर बच्चों क्लियर, अब यहाँ पर जा रहा है 65,536 65,535 बाइट का जा रहा है, अब बच्चों होगा क्या, तो कॉमन सी बात है जो डेटा होता है ना वो टुकड़ों में टूटता है, जो डेटा होता है समझना, देखो बच्चों ये पैकेट है, ये पैकेट है, पैकेट के अंदर मान लो यहाँ पर बच्चों हेडर 20 बाइट का है बच्चों क्लियर, और यहाँ पर जो डेटा है वो कितने का है, वो मान लीजिए 30,000 बाइट का है, 30,000 को छोड़ दो, मैं ऐसे लिख देता हूँ 9,000 बाइट का डेटा, कितने बाइट का डेटा है 9,000 बाइट बच्चों क्लियर, 9,000 बाइट का डेटा बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए, अब ये 9,000 बाइट का डेटा है, बाइट का डेटा, अब सबको पता है जब अपन इसको फ्रेम करेंगे बच्चों क्लियर, तो एक बार बताइए ये 9,000 बाइट का डेटा है और ये आपका हेडर है बच्चों क्लियर, ये कहां से आया, ये नेटवर्क लेयर से आया, अब ये नेटवर्क लेयर से कहां पर आएगा, तो ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर जाएगा, अब डेटा लिंक लेयर बच्चों इसको सपोर्ट करेगी नहीं बच्चों क्लियर, डेटा लिंक लेयर जो है तो बच्चों जो लिंक बनेगा नोड से नोड के बीच में, तो वो एक फिक्स होता है, ये फिक्स होता है इसकी कैपेसिटी कि भाई इतने का ही आपका डेटा आना चाहिए बच्चों क्लियर, सबको पता है इथरनेट में फ्रेम की साइज क्या होती है, तो बच्चों 46 बाइट का पेलोड होता है, ये सबको पता है पेलोड होता है मैक्सिमम मिनिमम पेलोड किसके ऊपर, इथरनेट के ऊपर, इथरनेट की अगर मैं बात करूं बच्चों 46 से लगा के 1500 बाइट तक पेलोड लेती है बच्चों क्लियर, फ्रेम जो बनता है वो इस साइज का बनता है बच्चों क्लियर, तो पेलोड 46 बाइट से लगा के 1500 बाइट, इसके अलावा बच्चों 46 से 1500 तो ये हो गया, इसके अलावा बच्चों जब अपन ने जोड़ा था तो 8 8 16 16 और 2 18 18 बाइट अपन ने और जोड़ दिए, तो बच्चों ये 64 बाइट हो गया था बच्चों क्लियर, और ये 1518 बाइट हो गया था बच्चों क्लियर, ये क्या चीज है, तो ये फ्रेम की साइज है, किसकी साइज है, फ्रेम, और फ्रेम विद प्रियम्बल, तो फ्रेम विद प्रियम्बल में क्या हुआ था 8 और जोड़ दो तो ये 72 बाइट है, और ये 1508 जोड़ेंगे तो 26 बाइट है
बच्चों ये क्लियर है? चलिए अब कॉमन सी बात है, जब ये इतना बड़ा डेटा इस लिंक पे जा ही नहीं सकता, पैकेट बड़े बड़े, तो बच्चों इस लिंक की साइज होगी कुछ ना कुछ, मान लो इस लिंक ने 500 बाइट ही ले सकता है, ये लिंक 500 बाइट ही ले सकता है, बच्चों क्लियर? तो एक बार बताइए, अगर ये लिंक 500 नहीं लेके अपन ये बोल देते हैं 2000 बाइट ले सकता है, कितना बाइट बच्चों? 2000। अब अगर मान लो ये 2000 बाइट ले सकता है, ये लिंक 2000 बाइट को ले सकता है, या फिर ये मान के चलिए ये 2020 बाइट को ले सकता है, थोड़ी देर के लिए 2020 बाइट को ले सकता है, तो एक बार बताइए मैं इसका क्या करूंगा? तो मैं इसको 2000, तो देखिए इसको एक फ्रेम तो ये तोड़ दिया, कितने बाइट का बच्चों? 2000 बाइट, बच्चों क्लियर? मैक्सिमम 2000 बाइट, और यहाँ पर 20, तो ये कितना हो गया? 2020। तो 2000 बाइट डेटा डेटा है ना बच्चों, वो 2000 बाइट, क्योंकि 2022 मैक्सिमम जा सकता है, ये मैक्सिमम ये लिंक की कैपेसिटी है। अब बच्चों एक बार बताइए, 2000 बाइट आपका काम आ गया, अगला 2000 बाइट जाएगा बच्चों क्लियर, 20 बाइट इसका क्या जाएगा? हेडर जाएगा, तो 2000-4000 डेटा मैंने भेज दिया, अगला बोलिए क्या होगा? तो अगला बोलिए ये 2000 होगा बच्चों क्लियर, 2000 बाइट, और ये 20 मैंने कितना भेज दिया? मैंने 6000 बाइट भेज दिया, और अगला बोलिए बच्चों आपका डेटा 9000 बाइट है, ये 2000 बाइट मैंने भेज दिया, और ये 20 बच्चों क्लियर। तो आप बताइए 8000 बाइट मैंने डेटा भेज दिया, अब यहाँ पर आ जाइए, क्या किया मैंने? यहाँ पर मैंने कर दिया 1000 बाइट बच्चों क्लियर, और यहाँ पर क्या बच्चों? 20, कॉमन सी बात है। तो इस तरीके से मैं टोटल करके भेजूंगा, यानी एक पैकेट को मल्टीपल फ्रेगमेंट में चेंज करके भेजूंगा, क्योंकि मेरे लिंक की कैपेसिटी है 2020। अब बच्चों ये 2020 है, 2020 है, 2020, 2020 और 1020 तो चला ही जाएगा, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है बच्चों क्लियर। तो एक बार बताइए यही पैकेट तो टूटा है इसमें 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 इसमें, इसमें। बच्चों क्लियर? तो एक ही पैकेट बच्चों जब इसमें टूटा है तो ये इसी पैकेट के हिस्से इसके लिए लगा होता है आइडेंटिफिकेशन, हर एक पैकेट का एक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो बच्चों उसके हेडर में इस जो 20 बिट है, बाइट है, बाइट है, ये बिट नहीं है, ये 20 बाइट है, इसमें 16 बिट का आइडेंटिफिकेशन जाएगा कि हम उससे पैदा हुए हैं, हम उससे पैदा हुए हैं, हम इससे पैदा हुए हैं, हम इससे पैदा हुए हैं, हम इससे पैदा हुए हैं, क्लियर? तो ये समझ में आ जाना चाहिए, मतलब एक पैकेट जब लिंक के ऊपर नहीं जाता तो पैकेट का फ्रेगमेंटेशन होता है, और जितने भी फ्रेगमेंटेशन होता है उसमें पैकेट का आइडेंटिफिकेशन होता है, और एक पैकेट से डेवलप हुए सारे फ्रेगमेंट याद रखिए सेम आइडेंटिफिकेशन रखते हैं, जो 16 बिट का होता है। अगर ये लाइन क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो, ताकि मैं आपको फटके बता देता हूं, क्लियर? एक बार जल्दी कीजिए बच्चों, ये चीज आपके समझ में आ गई तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्या ही क्लियर है बच्चों? तो आइडेंटिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ी? अरे गुरु जी आप कह रहे हो 65,535 बाइट का जाएगा, लेकिन लिंक की कैपेसिटी नहीं, लिंक एक कितना लेके जा सकता है? तो लिंक लेके जा सकता है 2020 बाइट बच्चों। तो क्या होगा? इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़े करेंगे तो ये क्या है? फ्रेगमेंटेशन 1, फ्रेगमेंटेशन 2, फ्रेगमेंटेशन 3, फ्रेगमेंटेशन 4, फ्रेगमेंटेशन 5 बच्चों क्लियर? तो चलिए अपन इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो उससे आपकी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? तो बच्चों आइडेंटिफिकेशन बाइट, आइडेंटिफिकेशन इज 16 बिट फील्ड, ठीक है? ये बताएगा क्या आइडेंटिफिकेशन बाई बिट सबके लिए सेम होगी, एक पैकेट वालों के लिए? यस यस बिल्कुल होगी बच्चों क्लियर। इट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ एन ओरिजिनल आईपी डेटाग्राम, ठीक है? व्हेन एन आईपी डेटाग्राम इज फ्रेगमेंटेड, ठीक है? क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि लिंक की कैपेसिटी कम है, लिंक की कैपेसिटी कम है तो क्या करेंगे? फ्रेगमेंट करके भेजेंगे बच्चों क्लियर। इच फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम इज असाइंड टू द सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिस नंबर इज यूजफुल ड्यूरिंग द रीअसेंबल ऑफ द फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम। जब वो उधर जाएगा तो बच्चों पैकेट बनेगा, अब पैकेट बनेगा तो उसको रीअसेंबल करने में काम आता है। नेक्स्ट, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई विच आईपी डेटाग्राम द फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम बिलोंग्स, तो फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम किस पैकेट को बिलोंग करते हैं, क्लियर? अगर ये समझ में आ गया आइडेंटिफिकेशन, तो इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, डायरेक्ट आता है कौन कौन से फील्ड है, वर्जन फील्ड है, हेडर लेंथ है बच्चों क्लियर, इसके अलावा टाइप ऑफ सर्विस है, इसके अलावा बच्चों लेंथ है बच्चों क्लियर, पैकेट लेंथ है, इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन है। तो मेरे हिसाब से आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बच्चों यहां पर आइए, क्लियर? डीएफ बिट क्या होती है समझना, डीएफ क्या होता है? जबरदस्त है बच्चों, डायरेक्ट आता है डीएफ की फुल फॉर्म बताइए, क्लियर? डू नॉट फ्रेगमेंटेड, मतलब फ्रेगमेंट करने की जरूरत नहीं है, डू नॉट फ्रेगमेंट इसका मतलब वन भर दो, इसका मतलब फ्रेगमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लिंक पे जा रहा है बच्चों क्लियर। तो डू नॉट फ्रेगमेंट, ठीक है? तो डीएफ बिट स्टैंड्स फॉर डू नॉट फ्रेगमेंट बिट, ठीक है? अब बच्चों जीरो भरते हैं
तो इसको डीएफ मतलब कभी भी कोई चीज जीरो भरती है, डीएफ की फुल फॉर्म आई थी एक बार, तो डीएफ का मतलब डू फ्रेगमेंट नहीं होता, डू नोट फ्रेगमेंट होता है, डीएफ की फुल फॉर्म ध्यान रखना, डू नोट फ्रेगमेंट। अच्छा डू नोट फ्रेगमेंट बच्चों क्लियर, ये याद रखना क्या है डू नोट फ्रेगमेंट, ठीक है, डीएफ की फुल फॉर्म आती है। अब डीएफ कितने बिट का है, तो डीएफ बच्चों ये कितने बिट का है, एक बिट का है, एमएफ एक बिट का है, ये 16 बिट का है, ये 13 का है, ये फ्यूचर के लिए रिजर्व है, ये फ्यूचर के लिए रिजर्व है, ठीक है, तो इसकी अपन बात नहीं करेंगे, इसको जीरो ही भरा गया है क्योंकि फ्यूचर के लिए रिजर्व है। डीएफ बदलता रहता है बच्चों, अब अगर मैं वन कर दू इसका मतलब डीएफ अलाउ किया गया, डू नोट फ्रेगमेंट मतलब फ्रेगमेंट मत करो, और जीरो कर दू ये इसका मतलब फ्रेगमेंट करो। आप एक बार बताइए डीएफ की फुल फॉर्म बताओ क्या, डीएफ की फुल फॉर्म है डू नॉट फ्रेगमेंट, बच्चों क्लियर फ्रेगमेंट। अब डू नॉट फ्रेगमेंट और वन कर दूं मतलब यस कर दिया, यस वन का मतलब यस, तो इसका मतलब फ्रेगमेंट मत करो, मतलब लिंक में इतनी कैपेसिटी है कि वो आपके पैकेट को ले जाएगा, बच्चों क्लियर। तो चलिए ये क्या कर रहा है, ये डू नॉट फ्रेगमेंट कर रहा है, मतलब फ्रेगमेंट मत करो, यस ठीक है मत करो, वन ठीक है, इट वैल्यू मे बी जीरो और वन, ठीक है, व्हेन डीएफ इट इज जीरो सेट टू जीरो, ठीक है, इट गारंट द परमिशन टू द इंटरमीडिएट डिवाइस टू फ्रेगमेंट द डेटाग्राम इफ रिक्वायर्ड, अगर जीरो कर दूंगा तो वो ये कहेगा डू नॉट फ्रेगमेंट, मना नहीं कर रहा फ्रेगमेंट करने की, इसका मतलब फ्रेगमेंट करो, बच्चों क्लियर। देखो वन हमेशा यस होता है, जीरो हमेशा नो होता है, ये कह रहा है डू नॉट फ्रेगमेंट यस, तो डू नॉट फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट मत करो, जीरो होगा तो फ्रेगमेंट करो, क्लियर है। कभी भी आप वन भरते हो इसका मतलब उस सर्विस जो उसकी फुल फॉर्म है उसको अलाउ करता है, और जीरो तो उस चीज को अलाउ नहीं करता, बच्चों क्लियर। तो ये क्या है, डू नॉट फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मत करो, यस इसका मतलब वन कर दोगे तो फ्रेगमेंट नहीं होगा, और जीरो कर दोगे तो फ्रेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन डीएफ बिट इज सेट टू वन तो डू नॉट फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मत करो, इट इंडिकेट द इंटरमीडिएट डिवाइस मतलब लिंक नोट टू फ्रेगमेंट द आईपी डेटाग्राम एट एनी कॉस्ट, इफ नेटवर्क रिक्वायर द डेटाग्राम टू बी फ्रेगमेंटेड टू ट्रेवल फर्दर बट सेटिंग डजंट अलाउ इट फ्रेगमेंटेशन देन इट इज डिस्कार्डेड, बच्चों क्लियर। तो याद रखिए अगर फ्रेगमेंट नहीं करोगे और वो उसको अलाउ ही नहीं करा लिंक तो डिस्कार्ड हो जाएगा पैकेट, एन एरर मैसेज इज सेंड टू द सेंडर सेइंग दैट द डेटाग्राम हैज बीन डिस्कार्डेड ड्यू टू इट्स सेटिंग, क्लियर। तो याद रखिए बड़े छोटे लिंक के ऊपर बड़ा पैकेट जा ही नहीं सकता तो फिर एरर आ जाएगी। वन मीन्स डू नॉट फ्रेगमेंट, जीरो मीन्स डू फ्रेगमेंट, वेरी गुड जय मीरवाल, क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एमएफ का मतलब होता है मोर फ्रेगमेंट, बच्चों क्लियर, एमएफ का मतलब क्या होता है मोर फ्रेगमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन था, तो ये जब क्वेश्चन है तो जब मैं इसको भेजूंगा तो डीएफ क्या सेट हो जाएगा, तो डीएफ इस केस में जीरो सेट हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है डीएफ का मतलब होता है डू नॉट फ्रेगमेंट, तो ये यस नहीं कह रहा, ये क्या कह रहा है नो, डीएफ डू नॉट फ्रेगमेंट गलत है, करना होगा आपको, तो डीएफ इस केस में जीरो सेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको फ्रेगमेंट करना पड़ेगा, क्लियर है बच्चों। तो ये फ्रेगमेंट मैंने कर दिया, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा, तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते जाइएगा, एक एक चीज को समझते जाइएगा, क्लियर। अब बच्चों एमएफ का मतलब होता है मोर फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंट का मतलब देखो बच्चों जब वो जाते हैं, जब बच्चों इसको पकड़िए आप, यहां क्या किया था मैं एक बार आपको यहां समझाता हूं, यहां पर समझाता हूं बच्चों क्लियर, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये क्या हो गया, तो बच्चों ये डीएफ हो ही गया, डीएफ आपके समझ में आ गया, ये एमएफ बिट को समझिए आप, एमएफ बिट क्या है, एक बार बताइए मैंने क्या लिया, 9000 बाइट का डेटा लिया, ठीक है, ये क्या था आपका पेलोड था, चलो इसकी एड्रेस की साइज क्या थी 20 बाइट थी। अब बच्चों लिंक की जो साइज थी वो क्या थी, तो मैंने कहा 2000 बाइट थी, बच्चों क्लियर 2000 बाइट थी, तो एक बार बताइए ये 2000 बाइट गया, ठीक है पहला फ्रेगमेंट, ये मैक्सिमम है ना बच्चों 2020 है ना, 2020 बाइट का इसकी साइज थे और ये 20 ये गया, फिर बच्चों ये क्या हो गया 2000 गया, 2000 गया बच्चों क्लियर, ये 20 गया बच्चों, 2 2 4 ये क्या है 2000 गया, ये भी 2000 गया बच्चों, ये 20 गया, ठीक है, और ये बच्चों 1000 गया, और हेडर हेडर लेंथ वो आपकी कितनी है 20 है, ठीक है। अब बच्चों एक बार बताइए क्या फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बच्चों क्लियर, डीएफ क्या सेट हो गया, डीएफ सेट हो गया, डीएफ सेट हो गया जीरो, बच्चों क्लियर। अब एक बार बताइए जब ये पहले जाएगा, सबको पता ये पहले जाएगा, तो बच्चों इसके लिए एमएफ क्या सेट होगा, मोर फ्रेगमेंट, इसका मतलब एमएफ वन सेट होगा, क्योंकि ये क्या कहेगा मेरे पीछे भी और आ रहे हैं, बच्चों क्लियर, तो रिसीवर इसको भी लेगा, ये भी एमएफ वन कि मेरे पीछे भी और आ रहे हैं,
जो मेरे से ही रिलेटेड है, मेरे पीछे भी वन ही आ रहा है, और ये कह देगा नहीं मैं लास्ट हूं, तो ये एम एफ क्या सेट कर देगा? जीरो। बच्चों क्लियर? तो एम एफ बिट भी वन बिट होता है, मोर फ्रेगमेंट, ये कह रहा है डू नॉट फ्रेगमेंट, ये कह रहा है मोर फ्रेगमेंट। बच्चों ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए अपन एम एफ को भी पढ़ लेते हैं। क्या एम एफ क्लियर है बच्चों? क्या एम एफ क्लियर है? एक बार इस एम एफ को भी पढ़ लेते हैं। एम एफ बिट स्टैंड फॉर मोर फ्रेगमेंट बिट, ठीक है। इट्स वैल्यू में भी जीरो और वन। व्हेन एम एफ बिट सेट टू जीरो, जीरो इसका मतलब मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा। इट इंडिकेट टू द रिसीवर डेट द करंट डेटाग्राम इज आइदर द लास्ट फ्रेगमेंट इन द सेट और डेट इज द ओनली फ्रेगमेंट। कि भाई मैं ही लास्ट हूं, मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा। बच्चों क्लियर? याद रखियो। अच्छा मोर फ्रेगमेंट, हाँ यस है, और आ रहे हैं। बच्चों क्लियर? और अगर मोर फ्रेगमेंट जीरो है तो यानी मैं ही लास्ट हूं और मेरे अलावा कोई भी नहीं। बच्चों एम एफ वन है, इट इंडिकेट द रिसीवर डेट द करंट डेटाग्राम इज फ्रेगमेंटेड ऑफ सम लार्जर डेटाग्राम। क्लियर? मोर फ्रेगमेंट आर फ्लोइंग, और भी आ रहे हैं। एम एफ बिट इज सेट टू वन ऑन ऑल द फ्रेगमेंट एक्सेप्ट द लास्ट वन। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये 13 बिट का होता है, ये कई बार आ चुका। फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होता है? तो बच्चों फ्रेगमेंट ऑफसेट ये बताता है कि ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफसेट कितने बिट का होता है? बच्चों 13 बिट का होता है। बच्चों क्लियर? एक बार बताइए इसकी मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है? इसकी मैक्सिमम साइज हो सकती है 65535। बच्चों क्लियर? तो बच्चों ये क्या है? ये तो ये 2 की पावर 16, ये पॉइंट याद रखना। अब बच्चों एक बार बताइए इसकी मैक्सिमम साइज तो ये हो सकती है, ठीक है, यानी एक फ्रेगमेंट इतनी साइज का हो सकता है। अब कॉमन सी बात है बच्चों, अगर मान के चलो इसको अगर मैं 8 के स्केल से डिवाइड कर दूं तो बच्चों ये 2 की पावर 13 बनेगा। ये मान के चलो कि सभी चैनल पूरे के पूरे 16 के 16, मतलब 65536 को नहीं भेजते, 8 के स्केल को भेजते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब लिंक जो है ना पैकेट की साइज का, मतलब जो पैकेट है वो तो मैक्सिमम इतना बन सकता है कि लिंक जो है ना वो कम डेटा को फ्लो करेगा, ठीक है। तो 8 गुना कम डेटा को फ्लो करेगा, ठीक है। तो 2 की पावर 13, इसका मतलब मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 2 की पावर 13 ले जाने की है। इसलिए बच्चों ये 13 बिट में रिप्रेजेंट होता है क्या? फ्रेगमेंटेड ऑफसेट। और इसका स्केल क्या है? तो इसका जो स्केल है बच्चों, इसका स्केल है वो कितने का है? तो वो इसका स्केल है बच्चों किसका? 8 का। बच्चों क्लियर? अब इसको मैं आपको समझाऊंगा इसका स्केल कितने का है, 8 का। अब ये क्या है तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। बच्चों आप बताइए कितना बाइट गया? तो बच्चों ये 2000 बाइट गया। कितना बाइट? 2000। बच्चों क्लियर? तो 2000 को ये 8 से डिवाइड करके रिप्रेजेंट करता है तो कितना हो गया? 125। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि 125 बाइट अभी तक गया है, ठीक है। अब बच्चों ये फिर 2000 2000 4000 4000 को किससे डिवाइड करो? 8 से। तो ये कहेगा 250 बाइट गया है। बच्चों क्लियर? ये मतलब समझ में आया कितना बाइट आगे जा चुका है। अब बच्चों तीनों को डिवाइड करो, 6000 को किससे डिवाइड करो? 8 से। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये 375 के आसपास हो जाएगा। बच्चों क्लियर? तो इस तरीके से पूरा ही चलता है। किससे डिवाइड किया? 8 से। 8 से तो 250 आना चाहिए, मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, कितना आना चाहिए? 250। बच्चों क्लियर? तो ये क्या बताएगा कि ठीक है यार 250, और ये कितना बताएगा? 500। ये कितना बताएगा? 750। ये क्या बताएगा कि रिसीवर ने कितना ले लिया? बच्चों क्लियर? तो बच्चों ये पैकेट जाएगा तो इसमें 250 किसकी जगह होगा? फ्रेगमेंटेड ऑफसेट की जगह होगा। बच्चों जब ये जाएगा तो इसका मतलब एक जा चुका है, एक और आ गया, अब तक 500 डेटा आपके पास पहुंच चुका है, 500 बाइट आपके पास पहुंच चुका है। अब 500 बाइट का मतलब क्या है? तो 500 बाइट का मतलब इंटू 8 करना तो बच्चों कितना हो गया? 4000। तो 2000 ये पहुंच गया और 2000 ये पहुंच गया, 2000 2000 कितना हो गया? 4000। बच्चों क्लियर? तो कितना पहुंच चुका है रिसीवर के पास? कितना पहुंच चुका है रिसीवर के पास? बच्चों क्लियर? वो फ्रेगमेंट ऑफसेट बताता है। क्या ये क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो। अच्छा 8 गुने का लॉजिक क्यों लगाया इसमें? इसमें 8 गुने का इसलिए क्योंकि 3 बिट आपकी यहाँ काम आ गई। अभी 16 तो बचे नहीं, कितनी बची? 13। तो इसमें स्केल फैक्टर कितना लिया अपन ने? 8। क्या ये क्लियर है बच्चों कि रिसीवर के पास अब तक कितना पहुंच? ये तो बता रहा है कि कितना बाकी है, वो तो कौन बता रहा है? एमएफ की और बाकी है। डीएफ ये कह रहा है फ्रेगमेंट हुआ या नहीं हुआ, और ये कह रहा है कितना आगे पहुंच चुका, कितना आगे पहुंच चुका। तो कितना आगे पहुंच चुका? तो बच्चों इसके साथ ये 750 वैल्यू लेके जाएगा। बच्चों क्लियर? 750 13 बिट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। और इसके साथ कितना लेके जाएगा? तो बच्चों 750 देखिए 1000 और जोड़ो, 1000 तो 125, 750 इसके साथ 875 वैल्यू लेके जाएगा। क्या ये क्लियर है बच्चों?
लाइक चेक पॉइंट की तरह काम करेगा, क्लियर। अब इसकी थ्योरी भी अपन पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेगमेंट ऑफसेट, ठीक है, अब फ्रेगमेंट ऑफसेट को भी देखिए। फ्रेगमेंट ऑफसेट इज 13 बिट फील्ड, बस इतना याद रख लेना, यही क्वेश्चन बार बार आता है। तो बच्चे कहते हैं कि सर 13 तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा, तो 13 इसलिए क्योंकि इसकी ये स्केल यूज करता है किसका, 8 का, बच्चों क्लियर। तो यहाँ पर आइए फ्रेगमेंट ऑफसेट, ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफसेट 13 बिट, तो फ्रेगमेंट ऑफसेट इज 13 बिट फील्ड, ठीक है। इट इंडिकेट द पोजिशन ऑफ ए फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम इन द ओरिजिनल अनफ्रेगमेंटेड आईपी डेटाग्राम। तो ये पूछ रहा है कि भाई मैं कौन से नंबर का हूं, ये बताने की कोशिश करेगा कि ठीक है मेरे से पहले इतना डेटा आपके पास पहुंच गया। द फर्स्ट फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम हैज ए फ्रेगमेंटेड ऑफसेट ऑफ 0, बच्चों क्लियर, कि पहले वाला 0 बताएगा, क्यों बताएगा, कि भाई मेरे से पहले कुछ नहीं पहुंचा। तो याद रखना ये डेटा मेरे से पहले कुछ नहीं पहुंचा, तो पहले वाले के लिए 0 होता है, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, पहले वाले के लिए क्या बनेगा बच्चों, 0। ये पॉइंट आपको याद रखना कि मेरे से पहले कुछ नहीं पहुंचा, ये कहेगा मेरे से पहले 250 बाइट पहुंच गया, ये कहेगा मेरे से पहले 250 पहुंच गया, और ये 2 और 2 4 4, तो ये 500 बाइट पहुंच गया, बच्चों क्लियर। और मेरे से पहले बच्चों कितना, 250 500 ये 625 बाइट पहुंच गया, बच्चों क्लियर। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, देखो 2000 डिवाइड बाई 8, बच्चों 2 2 4000 डिवाइड बाई 8, बच्चों 2 2 4 2 6000 डिवाइड, समझ में आ गया। तो बच्चों इस तरीके से पूरा चलेगा, सब क्लियर है, तो समझ में आ जाना चाहिए। जब पहले वाला पहुंचेगा तो ये कहेगा मेरे से पहले कुछ नहीं पहुंचा, तो क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट जब पहुंचता है, द फर्स्ट फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम है जो फ्रेगमेंट ऑफसेट ऑफ 0, क्योंकि वो कहेगा मैं ही पहला हूं, मेरे से पहले कुछ पहुंचा ही नहीं। फ्रेगमेंटेड ऑफसेट फॉर ए गिवन फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड ऑफ इट इन द ओरिजिनल अनफ्रेगमेंटेड डेटाग्राम, बच्चों क्लियर, कितनी बाइट मेरे से पहले गुजर गई, और डिवाइड बाई क्या करना है बच्चों, 8, बच्चों क्लियर। तो ये याद रखना, अगर वो पूछे कितना बाइट गुजर गया तो बाइट को जोड़ दो, और ऑफसेट की वैल्यू पूछे तो डिवाइड बाई 8 करके बाइनरी फॉर्मेट में उसको भर देना, क्लियर। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। तो वी यूज ए स्केलिंग फैक्टर ऑफ 8 फॉर द फ्रेगमेंटेड ऑफसेट, फ्रेगमेंटेड ऑफसेट फील्ड वैल्यू फ्रेगमेंट ऑफसेट डिवाइड बाई 8, भाई मेरे से पहले कितना पहुंच गया उसको डिवाइड बाई 8 करके बाइनरी बना के यहाँ पर 13 बिट में डालना होता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीड ऑफ स्केलिंग फैक्टर फॉर फ्रेगमेंटेड ऑफसेट, तो इस लाइन को भी अपन पढ़ लेते हैं जो अपने काम किए। IPv4 हेडर द टोटल लेंथ फील्ड 16 बिट, ठीक है, टोटल लेंथ हेडर लेंथ प्लस पेलोड लेंथ, ठीक है, 16 बिट, मिनिमम हेडर लेंथ 20 बाइट, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा डेट कैन बी सेंड, बच्चों डेटा कितना भेज सकते हैं, तो इतना भेज सकते हैं 65,515, ठीक है, तो ये आपका डेटा पहुंच गया 65,515। इन वर्स्ट केस ए डेटाग्राम कंटेंट 2^16 / 20 बाइट्स ऑफ डेटा माइट बी फ्रेगमेंटेड इन सच ए वे दैट द लास्ट फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम कंटेंट ओनली 1 बाइट ऑफ डेटा, ठीक है, ये पूरा रामायण वही दे रहा है जो मैंने अभी जस्ट बताया था। तो फैक्टर कितने का यूज करना है, 8 का, इतने डिप में भी नहीं जाना, क्लियर, ठीक है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, ये IPv4 का स्केलिंग कंसेप्ट है, क्लियर, नेक्स्ट। अब बच्चों टाइम टू लिव, ये जबरदस्त है, अरे ये इतनी बार आया जिसकी कोई याद नहीं, TTL की फुल फॉर्म आ जाती है, क्लियर, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अगर मान लो पहला फ्रेगमेंट गया तो उसमें क्या आएगा, ऑफसेट में क्या आएगा, तो बच्चों अगर पहला ही गया तो ऑफसेट में क्या आएगा, 0 आएगा, बच्चों क्लियर। अगर 2000 बाइट गई तो अगले ऑफसेट में क्या आएगा, 2000 डिवाइड बाई 8, कि मेरे से पहले इतना बाइट पहुंच चुका है, क्योंकि डेटा से मतलब है जो हेडर है वो तो हटते जाते हैं, तो बच्चों 2000 डिवाइड बाई 8, इतना डेटा मेरे से पहले पहुंच चुका है, तो उसमें 250 बनेगा। अब 250 को 13 बाइट बिट में कन्वर्ट करके उस लोकेशन पे आपको बनना है, क्लियर। अब टाइम टू लिव, अब देखो बच्चों टाइम टू लिव, देखो ये क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड में से एक है, ये टाइम टू लाइव 8 बिट्स, बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना, टाइम टू लाइव कितना, 8 बिट, प्रोटोकॉल 8 बिट, ये दोनों याद रखना, और हेडर चेकसम ये 16 बिट, क्लियर। अब देखो बच्चों इन सब चीजों की अपन पूरा निपटा रहे हैं लास्ट तक, क्लियर, IPv6 पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आता भी नहीं है, फिर भी तुम चाहोगे तो पढ़ा देंगे, क्लियर, इसी के पीछे अपन पढ़ा देंगे। UDP और TCP का फॉर्मेट अपन को और पढ़ना है क्योंकि वहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो देखेंगे, क्लियर, लेकिन वो कौन सी लेयर में पढ़ेंगे, वो ट्रांसपोर्ट लेयर, अभी कौन सी लेयर चल रही है, तो अभी चल रही है नेटवर्क लेयर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते अपन, देखिए टाइम टू लाइव, लाइव अपन क्या होता है, कब तक जिंदा रहना है, एक बार बताइए,
कोई पैकेट है, अब उसको कोई रिसीवर नहीं मिल रहा, ठीक है, रिसीवर नहीं मिल रहा है या रिसीवर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चों कब तक रहेगा, तो कब तक रहेगा, तो एक फिक्स बात, अगर मान लो सारे जीवित रह गए पैकेट, तो बच्चों इतना नॉइज प्रोड्यूस हो जाएगा, या फिर बच्चों आपका नेटवर्क ही भर जाएगा, तो बच्चों इसका मतलब पैकेट खत्म होते हैं, बिल्कुल खत्म होते हैं बच्चों, क्लियर? आपको भी पता है, आपने अगर ओटीपी को यूज नहीं किया, देखा नहीं बच्चों, ओटीपी आ गया बच्चों, क्लियर, और आप 10 मिनट तक उसको नहीं देख रहे हैं, खत्म हो जाएगा वो, क्लियर, वापस समझ में आ गया? तो हर चीज का एक पीरियड होता है कि इतना टाइम में आपको खत्म होना। तो बच्चों मान लो एक राउटर के ऊपर वो 10 बार आ गया, तो 10 बार आने के बाद उसको खत्म होना ही है, तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है, इसको बोलते हैं टाइम टू लाइफ, क्लियर? चलिए अब बच्चों इस चीज को अपन एक एक चीज को समझते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। टाइम टू लाइफ टीटीएल इज 8-bit फील्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया, टीटीएल कितने बिट का फील्ड होता है। इट इंडिकेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स ए डेटाग्राम कैन टेक टू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है, तो इट इंडिकेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स ए डेटाग्राम कैन टेक टू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ टीटीएल टू प्रिवेंट द आईपी डेटाग्राम फ्रॉम लूपिंग अराउंड ए फोर एवर इन ए राउटिंग लूप, मतलब कि भाई आता जाए चेक करता जाए, आता जाए चेक करता जाए, मतलब राउटिंग लूप के अंदर नहीं भेजा वैलिडिटी ऑफ पैकेट, ऐसे नहीं बोल के अपन ये बोल सकते हैं, किसी के लिए तो पैकेट होगा, अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहे तो उसके पास 10 बार आ जाएगा, 11 बार आ जाएगा, उसके बाद वो पैकेट खत्म हो जाएगा बच्चों, क्लियर? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना। द वैल्यू ऑफ टीटीएल इज डिक्रीमेंटेड बाई 1 बच्चों, क्लियर, और जैसे ही 0 होगी पैकेट खत्म हो जाएगा। डेटाग्राम टेक ए होप टू एनी इंटरमीडिएट डिवाइस हैविंग नेटवर्क लेयर, ठीक है, डेटाग्राम टेक ए होप टू द डेस्टिनेशन, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ टीटीएल बिकम 0 बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन देन डेटाग्राम इज डिस्कार्डेड, क्लियर? देखो बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर ये रिसीवर के ऊपर पहुंच के 0 होती है तो ठीक है रिसीवर को मिल जाएगी, लेकिन अगर रिसीवर से पहले ही 0 हो जाती है तो वो पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है नेटवर्क से बच्चों, क्लियर? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है बच्चों, क्लियर? तो क्लियर है बच्चों क्या कहना चाह रहा है, वो लाइन आपके समझ में आ गई होगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, देखिए बोथ इंटरमीडिएट डिवाइस हैविंग नेटवर्क लेयर एंड डेस्टिनेशन डिक्रीमेंट द टीटीएल वैल्यू बाय 1, अगर मान लो ये सेंडर है ये रिसीवर है इस केस में, अच्छा ये पूरा सेंडर ये रिसीवर हो गया, ठीक है, अब बच्चों यहां से यहां भेजा, यहां से यहां भेजा, इस चीज को मैं कितनी बार भेज रहा हूं, एक बार, ठीक है, अब इसने एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरी बार भेजा, तीसरी बार भेजा, चौथी बार भेजा, कितनी बार भेजू बच्चों, 10-20 बार भेजू या क्या? तो बच्चों ये तो गलत काम हो जाएगा, एक बार भेज दिया आपने, ठीक है, ले लिया, ठीक है, न तो आप 10 कोशिश और कर लो, 10 times और भेज दो, अब 10 times और भेज दिया, ठीक है, अब ये जो डिक्रीमेंट टीटीएल की वैल्यू है वो हमेशा किससे डिक्रीमेंट होती है, हर लूप में इससे डिक्रीमेंट होती है, अब जैसे ही ये 0 पहुंचे फिर बच्चों ये उस पैकेट को नहीं भेजेगा, डिस्कार्ड कर देगा, लेकिन अगर ये रिसीवर के पास पहुंच गए और यहाँ पर टीटीएल की वैल्यू क्या है, 0 है बच्चों, क्लियर, इसका मतलब इसने रिसीव कर लिया, क्लियर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है। बोथ इंटरमीडिएट डिवाइस हैविंग नेटवर्क लेयर एंड डेस्टिनेशन डिक्रीमेंट द टीटीएल वैल्यू बाय 1, इफ द वैल्यू ऑफ टीटीएल इज फाउंड टू बी 0 एट एनी इंटरमीडिएट डिवाइस देन द डेटाग्राम इज डिस्कार्डेड, अगर इंटरमीडिएट डिवाइस में टीटीएल 0 हो जाता है इसका मतलब डेटाग्राम को डिस्कार्ड कर देता है, सो एट द एनी इंटरमीडिएट डिवाइस द वैल्यू ऑफ टीटीएल मस्ट बी ग्रेटर देन 0 टू प्रोसीड फर्दर बच्चों, क्लियर, चलिए, इफ द वैल्यू ऑफ टीटीएल बिकम 0 एट द डेस्टिनेशन रिसीवर then the datagram is accepted, clear, so at the destination the value of TTL may be greater than or equal to 0, destination pe bachcho 0 bhi ho sakte hai, 0 se zyada bhi ho sakte hai, lekin agar yahan par 0 ho gayi to iska matlab wo packet discard kar diya gaya, clear, ek bar comment kar do ki sir TTL hamare samajh mein aa gaya, TTL ki full form kya hai, time to life bachcho, clear, time to life bachcho, clear, ab chaliye apan aage badhte hain protocol, ab protocol kya hai bachcho, protocol mein se bhi question aa jata hai कि IPv4 के अंदर एक प्रोटोकॉल और फील्ड और होता है, क्लियर, इसको भी आपको समझना, प्रोटोकॉल फील्ड क्या होता है, क्लियर, हाँ जी कमेंट करो, अरे कमेंट ही नहीं आ रहे तुम्हारे, दुखी है, कड़क जीवन जी रहे हो, कड़क जीवन जी रहे हो, दिमाग से कड़क, हाथ पैरों से कड़क, विचारों से कड़क, सब चीज कड़क ही कड़क है, किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, माइंड से कड़क हो, बिल्कुल बुलाए माइंड वाले बच्चे चाहिए, तुरंत एक्सेप्ट करो, इन चीजों को एक्सेप्ट करो, तुम चाहोगे तो फिर बच्चों ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, एक दो बार और देखना इस वीडियो को, क्लियरिटी आ जाएगी, समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों आ जाइए प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल
बिट कितनी है, तो 8 बिट है। अब बच्चों आप सबने सुना होगा टीसीपी प्रोटोकॉल, यूडीपी प्रोटोकॉल, आईसीएमपी प्रोटोकॉल, आईजीएमपी प्रोटोकॉल, ये तो जरूरी प्रोटोकॉल है, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल है। कितने प्रोटोकॉल यूज कर सकता है ये 256, बच्चों क्लियर, 0 से लगा के 255 तक प्रोटोकॉल की वैल्यू हो सकती है। टीसीपी की एक बार क्वेश्चन आया था, टीसीपी प्रोटोकॉल की वैल्यू क्या होती है IPv4 के अंदर, तो 6 होती है। यूडीपी की कितनी होती है, तो यूडीपी की 17 होती है। आईसीएमपी की कितनी होती है, आईसीएमपी की 1 होती है। और आईजीएमपी की कितनी होती है, तो आईजीएमपी की भी कुछ होती होगी, क्लियर, तो देख लेंगे, एक बार देख लेना। लेकिन टीसीपी यूडीपी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो अगर किसी में प्रोटोकॉल की जगह 6 लिखा है इसका मतलब वो टीसीपी कनेक्शन बनाता है, अगर 17 लिखा है इसका मतलब यूडीपी कनेक्शन बनाता है। अच्छा बच्चों 1 लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो एरर मैसेज देता है। और अगर मान लो ये इसका नंबर क्या है, तो इसका नंबर अभी देख लेंगे क्या है, तो उसके हिसाब से आईजीएमपी होगा, इसका मतलब मल्टीकास्ट करता है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल इसके अंदर काम आएंगे। बच्चों क्लियर, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं समझने की कोशिश करना, क्लियर। चलिए प्रोटोकॉल, आईजीएमपी का 2 होता है, आईसीएमपी का 1 होता है, रख लेना। टीसीपी का 6 होता है, यूडीपी का 17 होता है। पहले आईसीएमपी होता है फिर आईजीएमपी होता है, क्लियर। तो आईसीएमपी का 1 और आईजीएमपी का 2, टीसीपी का 6, यूडीपी का 17। कोई पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो प्रोटोकॉल इज 8 बिट फील्ड, बच्चों क्लियर। कितने प्रोटोकॉल को सपोर्ट करेगा, 0 से 255 नंबर तक कितने प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट कर सकता है, बच्चों क्लियर। इट टेल द नेटवर्क लेयर एट द डेस्टिनेशन होस्ट टू विच प्रोटोकॉल द आईपी डेटाग्राम बिलोंग्स टू, बच्चों क्लियर। या तो टीसीपी या यूडीपी या आईजीएमपी या आईसीएमपी, किसी ना किसी को फॉलो कर रहा होगा। इन अदर वर्ड्स इट टेल द नेक्स्ट लेवल प्रोटोकॉल टू द नेटवर्क लेयर एट द डेस्टिनेशन साइट, ठीक है। प्रोटोकॉल नंबर आईसीएमपी 1, आईजीएमपी 2, टीसीपी 6, यूडीपी 17, बच्चों क्लियर। ये याद रखना बच्चों, ये लाइन काम की है, बाकी और कोई काम का नहीं है कि ये प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज कर रहा है, कैसा कनेक्शन बनाता है, यूडीपी बनाता है या टीसीपी बनाता है, बच्चों क्लियर। मल्टीकास्ट करेगा, सबके पास भेजेगा या किसी एक के पास भेजेगा, बच्चों क्लियर। और ये याद रखिए कि एरर मैसेज देगा या नहीं देगा, ठीक है। अब आ जाइए हेडर चेकसम, ये डेटा का चेकसम नहीं है, हेडर का चेकसम। तो हेडर जो हेडर इंफॉर्मेशन है वो राइट गई है या नहीं गई, हेडर इंफॉर्मेशन बदल तो नहीं गई, आपका पैकेट है। तो बच्चों पैकेट का तो चेकसम अलग होता है, सबको पता है पैकेट में क्या होता है, पैकेट में क्या होता है, तो सीआरसी चेकिंग, बच्चों क्लियर। तो वो तो आपको पता है वो कहाँ होती है, तो वो तो डेटा लिंक लेयर पे होती है। लेकिन बच्चों याद रखिए जो हेडर होता है ना, हेडर उसके अंदर भी एरर चेक होती है, बच्चों क्लियर। तो पैकेट, पैकेट के अंदर बच्चों जो हेडर होता है, हेडर उसमें तो कोई खराबी नहीं आई। तो बच्चों चेकसम क्या होता है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, क्या होता है बच्चों, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, वो जोड़ के वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर भेजी जाती है, फिर वहां पर चेक कर ली जाती है, क्लियर। तो ये याद रखना हेडर चेकसम 16 बिट का होता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। तो ये फील्ड तो आपके सोर्स आईपी, सबको पता है आईपी 32 बिट का, डेस्टिनेशन आईपी भी कितने बिट का, 32 बिट का। आईपी मैंने पढ़ाई दिया है बच्चों, क्लियर, भेजने वाले का पता और लेने वाले का पता। एड्रेस चेकसम और पढ़ लेते हैं फिर बच्चों, ये 5 फील्ड आपके बिल्कुल फिक्स हो जाने चाहिए, ये आपको रट के जाना है, क्लियर। नेक्स्ट, वाई प्रोटोकॉल नंबर इज ए पार्ट ऑफ आईपी हेडर, ठीक है बच्चों, प्रोटोकॉल, ठीक है प्रोटोकॉल 8 बिट, ठीक है इसको और पढ़ लेते हैं। प्रोटोकॉल देखिए, एन आईपी डेटाग्राम इज सेंट बाय द सेंडर टू द रिसीवर, ठीक है। व्हेन डेटाग्राम रीचेज एट द राउटर इट इज बफर इज ऑलरेडी फुल, ठीक है। अब डेटाग्राम अगर राउटर पे पहुंचा और वहां पर बफर पहले ही फुल है तो क्या करेंगे, तो सबको पता है बच्चों अगर पहले से ही फुल है तो वो आईसीएमपी मैसेज भेज देगा, सबको पता है। इन सच ए केस राउटर डजंट डिस्कार्ड द डेटाग्राम डायरेक्टली, इन सच ए केस, ठीक है। एक बार बताओ अगर टीसीपी कनेक्शन हो गया, टीसीपी कनेक्शन है, राउटर फुल है तो क्या होगा, तो बच्चों टीसीपी का पैकेट तो होगा, वो तो कंफर्म है, टीसीपी तो बच्चों रिलायबल कम्युनिकेशन है, तो टीसीपी है तो बच्चों अगर राउटर फुल है तो जो बच्चों यूडीपी है उन पैकेट को बाहर निकाल देगा, टीसीपी को अंदर डाल देगा। तो ये काम होता है बच्चों प्रोटोकॉल को, कि ये सर्विस तो जरूरी है, ये सर्विस तो जरूरी है। तो वाई प्रोटोकॉल नंबर इज ए पार्ट ऑफ आईपी हेडर, तो उसको ही अपन पढ़ रहे हैं। एन आईपी डेटाग्राम इज सेंट बाय द सेंडर टू द रिसीवर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। व्हेन डेटाग्राम रीचेज एट द राउटर इट बफर इज ऑलरेडी फुल, मान लो बफर फुल है तो क्या होगा, इन सच ए केस राउटर डजंट डिस्कार्ड द डेटाग्राम डायरेक्टली, नहीं, बिफोर डिस्कार्डिंग राउटर चेक द नेक्स्ट लेवल प्रोटोकॉल नंबर मेंशन इन द आईपी हेडर, ठीक है। If the datagram belong to TCP, then it try to make room for the datagram in its buffer. Router को
बच्चों रूम बनाना पड़ेगा किसके लिए, टीसीपी के लिए। इट क्रिएट ए रूम बाई इलिमिनेटिंग वन ऑफ द डेटाग्राम हैविंग लोअर प्रायोरिटी। बच्चों क्लियर, ये हमेशा आता है आईसीएमपी की प्रायोरिटी। बच्चों आईसीएमपी की प्रायोरिटी ठीक है, मतलब डिस्कार्ड करने का, इलिमिनेट करने का, ये आईसीएमपी की कम होती है, ये उल्टा लिख दिया शायद, देख लेंगे। फिर आईजीएमपी होता है बच्चों क्लियर, उसके ऊपर यूडीपी होता है, सबसे ज्यादा टीसीपी की होता है, ये गलत लिख दिया शायद, देखते हैं इसको पढ़ के देखते। दिस इज बिकॉज इट नोन द टीसीपी इज रिलायबल प्रोटोकॉल एंड इफ इट डिस्कार्ड द डेटाग्राम देन इट विल बी सेंट अगेन बाई द सेंडर। क्योंकि ये तो रिलायबल प्रोटोकॉल है, टीसीपी घटना हमेशा होती है। द ऑर्डर इन विच द राउटर इलिमिनेट द डेटाग्राम फ्रॉम इट्स बफर एज, इलिमिनेट का ऑर्डर है बच्चों क्लियर। तो टीसीपी कभी इलिमिनेट नहीं होगा, वो दुर्घटना घटित होगी क्योंकि इनकी प्रायोरिटी का ऑर्डर यह है, टीसीपी फिर यूडीपी फिर आईजीएमपी फिर आईसीएमपी। द ऑर्डर इन विच राउटर इलिमिनेट द डेटाग्राम फ्रॉम इट्स बफर, इसकी प्रायोरिटी बहुत कम है इसलिए इसको इलिमिनेट करने के चांस ज्यादा है। आईजीएमपी सर्विस को भी मना कर सकता है, यूडी को भी मना कर सकता है, लेकिन टीसीपी को मना नहीं कर सकता। अगर वो पैकेट आ गया तो राउटर को जगह बनानी ही पड़ेगी। क्या ये क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर आइए, इफ ए प्रोटोकॉल नंबर वुड हैव बीन इनसाइड द डेटाग्राम देन राउटर कुड नॉट लुक इनटू इट। बच्चों क्लियर, दिस इज बिकॉज राउटर हैज ओनली थ्री लेयर, फिजिकल डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। चलो, दैट इज व्हाई प्रोटोकॉल नंबर इज मेड ऑफ ए पार्ट ऑफ आईपी हेडर। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये चीज आपके समझ में आ जाना चाहिए। वो ये देखेगा कि यार जो आ रहा है वो कौन से प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है, कंपल्सरी वाला है या नॉट कंपल्सरी वाला है, उसको डिस्कार्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो देख लीजिए। बच्चों क्लियर, एक बार कमेंट कर दो कि प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ी, कौन सी सर्विस को वो यूज करेगा, कौन सी सर्विस को वो यूज नहीं करेगा, इन सब के लिए प्रोटोकॉल की जरूरत है। सर वो स्लाइड वाली प्रायोरिटी गलत है क्या? सही है ना, ये इलिमिनेट की प्रायोरिटी है, इलिमिनेट मतलब हटाने की। बच्चों क्लियर, और मैंने लिखी है होने की प्रायोरिटी। बच्चों क्लियर, ये किसकी प्रायोरिटी है कि डिस्कार्ड नहीं कर सकते। बच्चों क्लियर, ये होगा ही, टीसीपी इज मोर रिलायबल। तो टीसीपी पैकेट आया है तो बच्चों ये उसको वरीयता देगा, कौन? राउटर। राउटर गिव द प्रोबेबिलिटी, गिव द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। बच्चों क्लियर, प्रोबेबिलिटी क्लियर है बच्चों? प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की जगह प्रेसिडेंसी लिखना है, वर्ड गलत लिख दिया क्या? राउटर गिव द प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी। बच्चों क्लियर, प्रेसिडेंसी। राउटर इसको ज्यादा प्रेसिडेंस देगा, किसको? टीसीपी, फिर देगा यूडीपी, फिर देगा आईजीएमपी, फिर देगा सबसे कम प्रेसिडेंसी आईसीएमपी। वो इलिमिनेट अगर आ रहा है, बफर फुल है, तो आईसीएमपी को तो तुरंत, अरे जा भी क्यों फालतू में बातें करता है, चला जाए यहाँ से। बच्चों क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई, ये हेडर को चेक करने के लिए, ये प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज कर रहे हैं, ये है कि भाई चलो ठीक है एक दो बार ट्राई मारने के लिए। बच्चों क्लियर, ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन फ्रेगमेंटेशन, ये रिजर्व किया गया है। डू नॉट फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट ऑफ सेट, कितना डेटा जा चुका है। टोटल लेंथ, बच्चों क्लियर, किसकी पैकेट की। टाइप ऑफ सर्विस, किस तरीके की सर्विस ये देता है, किस तरीके का ये पैकेट है। हेडर लेंथ, बच्चों वर्जन, ठीक है। अब ये सोर्स आईपी आपको पता है, ये डेस्टिनेशन आईपी आपको पता है। अब बच्चों आ जाइए ऑप्शन 0 से 40 बाइट और डेटा, क्लियर। चलिए अब यहाँ आ जाइए हेडर चेकसम। हेडर चेकसम क्या है इसको भी अपन देख लेते हैं। राउटर गिव्स प्रायोरिटी टीसीपी। सत्यनारायण जी आज तो दिल जीत लिया आपने, बहुत दिनों बाद आपने कोई अच्छी बात की है, दिल जीत लिया कि टीसीपी को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्लियर, ठीक है बच्चों, अच्छी बात है, ऐसे सही आंसर दिया करो। हेडर चेकसम 16 बिट का है, ठीक है। इट कंटेन द चेकसम वैल्यू ऑफ द एंटायर हेडर, ठीक है बच्चों, पूरे हेडर की चेकसम वैल्यू को चेक करेगा, पूरे हेडर में जितना भी है सबको जोड़ेगा, और वही सबको जोड़ के जो क्या आएगा बच्चों, कैरी आएगी उसको जोड़ देगा, फिर सबका टोटल कर देगा, सबका टोटल करके वंस कॉम्प्लीमेंट करके फिर भेजेगा, और फिर इस तरीके से चेकसम मैंने पूरा फटा रखा। क्लियर, नेक्स्ट बच्चों, द चेकसम वैल्यू इज यूज फॉर एरर चेकिंग ऑफ द हेडर, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, जितना पढ़ाया गया उतना हद से ज्यादा है, आपको यह ध्यान रखना। द हेडर चेकसम इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू कंटेंट इन दिस फील्ड, ठीक है। इफ हेडर चेकसम इज फाउंड टू बी मिसमैच देन द डेटाग्राम इज डिस्कार्ड। राउटर अपडेट द चेकसम फील्ड व्हेनेवर इट मॉडिफाई द डेटाग्राम हेडर। क्लियर, याद रखना टीटीएल बदलती रहती है, ऑप्शन बदलता रहता है, ऑप्शन फील्ड मतलब 0 से 40 बाइट तक ये बदलता रहता है। बच्चों डेटाग्राम लेंथ बदलती रहती है, हेडर लेंथ बदलती रहती है,
फ्रेगमेंट ऑफसेट बदलता रहता है बच्चों, क्लियर, ये बदलता रहता है, सब बदलते रहते हैं बच्चों, क्लियर। चलिए, तो द फिल डेट में भी मॉडिफाइड आर टीटीएल ऑप्शन डेटाग्राम लेंथ हेडर लेंथ फ्रेगमेंट ऑफसेट ये सब। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कंप्यूटेशन ऑफ हेडर चेकसम इंक्लूड आईपी हेडर ओनली, एरर इन द डेटा फील्ड आर हैंडल्ड बाय द एनकैप्सुलेटेड प्रोटोकॉल, कोई मतलब नहीं है। एक्सेल आगे बढ़ते हैं, सोर्स आईपी, सोर्स आईपी बच्चों सबको पता है आईपी V4 में 32 बिट का होता है बच्चों, क्लियर, और ये पूरा सेंडर का आईपी होता है, क्लियर। एक्सेल डेस्टिनेशन आईपी, तो डेस्टिनेशन आईपी 32 बिट का होता है और बच्चों जो रिसीवर है जिसके लिए भेजा गया उसका आईपी होता है। ऑप्शन पे आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड रूट सोर्स राउटिंग और पैडिंग बच्चों, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये भी करवा देता हूं मैं, इधर देखिए, ऑप्शन इज ए फील्ड हूज साइज, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी साइज क्या है, तो 0 से 40 बाइट है बच्चों, क्लियर, क्यों, क्योंकि हेडर का पार्ट है ये, तो ये याद रखिए। तो ऑप्शन इज ए फील्ड हूज साइज वेरी फ्रॉम 0 बाइट टू 40 बाइट, दिस फील्ड इज यूज टू सेवरल पर्पस सच एज रिकॉर्ड रूट, रूट को रिकॉर्ड करता है, सोर्स राउटिंग क्या होती है और पैडिंग क्या होती है बच्चों, क्लियर, इन सब के बारे में अपन देख लेते हैं। रिकॉर्ड रूट क्या होता है, सोर्स राउटिंग क्या होती है, सोर्स राउटिंग क्या होती है और पैडिंग क्या होती है, क्लियर, इनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। रिकॉर्ड रूट क्या होता है बच्चों, ये सेंडर, ये क्या है आपका रिसीवर। अब बच्चों ये जिन जिन के बीच में से गया बच्चों, क्लियर, जिन जिन के बीच में से ये गया, जिन जिन राउटर से होके गुजरा उन सबका आईपी जोड़ देता बच्चों। एक बार बताइए, ये सेंडर का आईपी और रिसीवर का आईपी तो है, अब बच्चों ये R1 का R2 का R3 का ये सब जोड़ देता, अब बताइए ये कितने बाइट का होता है, ये 40 बाइट का होता है, और एक आईपी कितने का होता है, 4 बाइट का होता है, तो 40/4 यानी 10 होप के एड्रेस को ही जोड़ सकता है। लेकिन बच्चों एक को अपन कम लेते हैं क्योंकि और काम में भी आता है, तो बच्चों ये 9 इंटरमीडिएट राउटर के एड्रेस को जोड़ देता है बच्चों, क्लियर, ये क्वेश्चन आ चुका है तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों। रिकॉर्ड राउटिंग के अंदर ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि रिकॉर्ड राउटिंग के अंदर IPv4 अगर हेडर है तो आप बताइए कितने राउटर इंटरमीडिएट राउटर के एड्रेस को ये जोड़ सकता है, कितने को जोड़ सकता है, 9 को, क्लियर। सोर्स राउटिंग क्या होती है, सोर्स राउटिंग ये सेंडर है बच्चों, ये क्या है रिसीवर है बच्चों, ये पाथ है, ये पाथ है। अब ये पाथ है तो बच्चों ये दो तरीके की होती है, एक तो स्ट्रिक्ट, एक स्ट्रिक्ट और एक लूज बच्चों, क्लियर, स्ट्रिक्ट और ये लूज। अब बच्चों स्ट्रिक्ट में क्या होता है कि मान लीजिए स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग क्या होती है, तो स्ट्रिक्ट में जो एडमिन ने बोला उसी पाथ के थ्रू आपका पैकेट जाएगा, और लूज के अंदर क्या होगा, सोर्स राउटिंग लूज में बच्चों कुछ राउटर इसके यूज कर लेगा, जैसे इसको बोला तो बच्चों ऐसे चला जाएगा, एक दो को छोड़ देगा बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए रिकॉर्ड राउटर तो रूट मतलब रिकॉर्ड रूट मतलब जो जो ऑफ से गुजरा है आपका पैकेट उनका आईपी जोड़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन इसकी लिमिट है 9 राउटर का एड्रेस ही या होप का एड्रेस ये जोड़ेगा बच्चों, क्लियर। सोर्स राउटिंग क्या है, जो नेटवर्क एडमिन है, नेटवर्क एडमिन वर्ड सुनिए, नेटवर्क एडमिन बच्चों, क्लियर, तो नेटवर्क एडमिन जो है, नेटवर्क एडमिन जिस सोर्स पाथ के लिए बोलेगा बच्चों वही इसमें जुड़ेगा बच्चों, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये भी दो तरीके की होती है, स्ट्रिक्ट उसको फॉलो ही करना है, लूज मतलब उसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। अब पेडिंग क्या होता है बच्चों, ये भी देख लीजिए, टोटल लेंथ जो होती है बच्चों, एक बार बताइए, मैंने कहा कि हेडर की जो लेंथ होती है वो मल्टीपल ऑफ 4 स्केलिंग ऑफ 4 होती है बच्चों, क्लियर। अब मान लो हेडर की लेंथ 30 बाइट है बच्चों, क्लियर, 30 बाइट हेडर है, तो हेडर की लेंथ मान लो 30 बाइट है तो इसमें क्या भरोगे आप, इसमें तो भर ही नहीं सकते क्योंकि आपको 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों पैडिंग क्या होता है, तो इसमें अपन 2 बाइट और जोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगी पैडिंग। अभी पैडिंग अगर हो गई तो ये कितना बाइट हो गया, 32 बाइट हो गया। अब 32 बाइट डिवाइड बाय 4 तो मैं इसमें क्या भर दूंगा, 8, तो यहाँ पर ये भरा जाएगा बच्चों, क्लियर। तो पैडिंग क्या होता है बच्चों, तो अपन को पता है हेडर लेंथ जो है, हेडर लेंथ जो है बच्चों, हेडर लेंथ वो 4 बिट की होती है बच्चों, क्लियर, हेडर लेंथ फील्ड 4 बिट का होता है और उसमें बच्चों 5 से लगा के अपन 15 तक भर सकते हैं। अगर मान लो ये पूरे की साइज 20 से लगा के बच्चों, इस पूरे की साइज 20 बाइट से लगा के कितनी बाइट होती है, 60 बाइट होती है। अब 60 बाइट है तो मैं 30 बाइट ले लेता हूँ, अब 30 बाइट अगर मैं लेता हूँ तो बच्चों फिर मैं इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, तो 2 बाइट में एक्स्ट्रा पैडिंग मतलब एक्स्ट्रा बाइट इसमें जोड़ दूंगा, जो मीनिंगलेस है बच्चों, लेकिन अपना काम हो जाएगा ताकि ये पूरा पूरा भर जाए, उसको कहते हैं पैडिंग बाइट बच्चों, क्लियर।
तो एक बार ये कमेंट कर दो कि हाँ सर ये समझ में आ गया। बच्चों क्लियर, रूट गिव प्रायोरिटी टीसीपी, राउटर गिव प्रायोरिटी टीसीपी, वेरी गुड। क्या ये क्लियर है बच्चों? तो रिकॉर्ड राउटर यानी जहां से गुजरेगा मैक्सिमम नो राउटर की इंफॉर्मेशन को ये होल्ड करेगा, सोर्स राउटिंग नेटवर्क एडमिन जो बोलेगा उसी पाथ के अकॉर्डिंग इसको जाना होगा, सोर्स राउटिंग बच्चों क्लियर, रिस्ट्रिक्ट टू लूज दोनों तरीके की हो सकती है। और पैडिंग क्या होता है बच्चों? कई बार ये चार के मल्टीपल में नहीं होता साइज, साइज हमेशा चार के मल्टीपल में होनी चाहिए, तो चार के मल्टीपल में नहीं होती तो बच्चों पैडिंग जोड़ देते हैं। मैक्सिमम पैडिंग साइज क्या है? तो मैक्सिमम पैडिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम पैडिंग हो गई कितने की? 3 बाइट बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मैक्सिमम पैडिंग बच्चों 3 बाइट की हो जाएगी। क्या ये क्लियर है? IPv4 का पूरा पोस्टमार्टम मैं कर चुका हूं, एक बार और पढ़ लेते हैं अपन, इस पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं। क्लियर, देखिए रिकॉर्ड रूट, क्लियर, ए रिकॉर्ड रूट ऑप्शन इज यूज टू रिकॉर्ड द आईपी एड्रेस ऑफ द राउटर थ्रू विच द डेटाग्राम पास ऑन इट्स वे, रास्ते में जो पढ़ेंगे उनको नोट करता है। व्हेन रिकॉर्ड रूट ऑप्शन इज सेट इन द ऑप्शनल फील्ड आईपी एड्रेस ऑफ द राउटर गेट रिकॉर्डेड इन द ऑप्शन फील्ड, ठीक है बच्चों क्लियर, ये पॉइंट भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ IPv4 राउटर एड्रेस डेट कैन बी रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड रूट ऑप्शन फील्ड ऑफ एन IPv4 एड्रेस 9, बच्चों क्लियर। अब एक बार बताइए यहाँ पर कितना आ सकता है 9, क्यों आया है 9 समझा देता हूँ। IPv4 साइज ऑफ आईपी एड्रेस इज 32 बिट यानी 4 बाइट, आईपी एड्रेस 4 बाइट का है, मैक्सिमम साइज ऑफ ऑप्शनल फील्ड 40 बाइट का है, सो इट सीम मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस डेट कैन बी रिकॉर्ड, तो 10 को रिकॉर्ड कर सकता है, बट सम स्पेस इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑप्शन बीइंग यूज्ड, आल्सो सम स्पेस इज टू बी लेफ्ट बिटवीन द आईपी एड्रेसेस, ठीक है, सो द स्पेस ऑफ 4 बाइट इज लेफ्ट फॉर दिस पर्पस, ठीक है, देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस डेट कैन बी रिकॉर्ड इज 9, ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, क्लियर याद रखिए, तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए इस पॉइंट को अपन और पढ़ लेते हैं, IPv4 साइज ऑफ आईपी एड्रेस 4 बाइट, मैक्सिमम साइज ऑफ ऑप्शनल फील्ड 40 बाइट, ऑप्शनल फील्ड की मैक्सिमम साइज क्या है 40 बाइट, सो इट सीम मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस डेट कैन बी रिकॉर्ड 10, ये पॉइंट भी आपके क्लियर है 10। अब बच्चों ये कह रहा है बट सम स्पेस इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑप्शन बीइंग यूज, ठीक है, ऑल्सो सम स्पेस इज टू बी लेफ्ट बिटवीन द आईपी एड्रेसेस, सो द स्पेस ऑफ 4 बाइट इज लेफ्ट फॉर दिस पर्पज, 4 बाइट छोड़ दिया जाता है इसलिए कितना 9, वही लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट चलिए अब आते हैं सोर्स राउटिंग, अब सोर्स राउटिंग क्या है? ए सोर्स राउटिंग ऑप्शन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द रूट डेट द डेटाग्राम मस्ट टेक टू रीच द डेस्टिनेशन, बच्चों डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन से रूट को फॉलो किया, बच्चों क्लियर, दिस ऑप्शन जनरली यूज टू चेक वेदर ए सर्टेन पाथ इज वर्किंग फाइन और नॉट, तो बच्चों जो एडमिन नेटवर्क एडमिन होता है वो सेट करता है इसको, किसको बच्चों? सोर्स राउटिंग को, बच्चों क्लियर, ताकि वो ये पता कर ले कि पर्टिकुलर पाथ प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, बच्चों क्लियर। तो याद रखिए या आप भी कर सकते हो, आपको भी पता है कि मेरा पैकेट इस राउटर के थ्रू ही जाना चाहिए, तो दिस ऑप्शन इज जनरली यूज टू चेक वेदर ए सर्टेन पाथ इज वर्किंग फाइन और नॉट, सोर्स राउटिंग में भी लूज और स्ट्रेक, थोड़ा पार्ट काम कर रहा है थोड़ा आगे जाके बदल जाता है, तो ये सब चेक करने के काम में आता है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए पैडिंग, पैडिंग को भी अपन देख लेते हैं, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्लास 1.5 घंटे की होगी, दिन में नहीं ली थी तो अभी कवर कर ली मैंने। तो पैडिंग क्या है बच्चों? एडिशन ऑफ डम्बी डेटा टू फिल अप अनयूज्ड स्पेस इन द ट्रांसमिशन यूनिट एंड मेक इट कंफर्म टू द स्टैंडर्ड साइज इज कॉल्ड ए पैडिंग, बच्चों क्लियर। तो कितनी जबरदस्त डेफिनेशन है, ऑप्शन फील्ड इज यूज्ड फॉर पैडिंग, बच्चों क्लियर। चलो एडिशन ऑफ डम्बी डेटा है टू फिल अप unused space in the transmission unit and make it conform to the standard size is called a padding, bachcho clear, padding matlab extra bit jo isko standard banaye rakhe usko kya kehte hain apan, padding, clear hai bachcho? chaliye ab bachcho when header length is not a multiple of 4 extra 0 are padded in the option field, theek hai bachcho, to agar multiple of 4 nahi hai kya iski size to apan wah represent nahi kar sakte to extra 0 apan ko jodni padti hai, by doing so header length become a multiple of 4, if header length 30 byte, 2 byte of dummy data is added to the header, this make header length 32 byte, then the value 32 divided by 4, 8 is put in the header length field, theek hai, it worst case 3 byte of dummy data might have to be padded to make the header length of multiple of 4, ye sari cheeze maine samjha di hai bachcho, zyada padding byte
कितनी हो सकती है? 3। क्लियर? एक्चुअली खत्म बच्चों। तो IPv4 का जो हेडर फॉर्मेट है वो पूरा खत्म है, इसको पूरा देख लेना। बहुत सारी थ्योरी आज कराई है, लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन आज मैंने निपटा दिए नेटवर्किंग के। 1000 प्लस थ्योरिटिकल, थ्योरी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये न्यूमेरिकल जो चीज है वो आप धीरे धीरे समझोगे। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता। कल अपन आगे बढ़ेंगे IPv6। आप चाहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, बाकी अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं और ना आएगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। TCP/UDP को भी अपन को ढंग से पढ़ना है। क्लियर? उसका फ्रेम फॉर्मेट भी पढ़ना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।